हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। माय नेम इज गोविंद सैनी और आप सब लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की वन शॉट वीडियो। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के यूनिट नंबर सेकंड के बारे में। तो ये जो क्लासेस है वो स्टूडेंट हम इसमें पूरी ही मतलब यूनिट नंबर सेकंड को इसमें डिस्कस करने वाले हैं और देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पे हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्टैंड मटेरियल का जो सब्जेक्ट है वो आपके बीटेक फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है और आपका यहाँ पे स्टैंड जो सब्जेक्ट कोड है वो BME402 है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी लास्ट सेमेस्टर, अगर मैं बात करूँ तो लास्ट सेमेस्टर में हमने स्टूडेंट आपको BME के रिगार्डिंग ही अपने सिलेबस को पढ़ाया था। AKTU के अपडेटेड 2023 एंड 2024 के अकॉर्डिंग ही हमने अपने सब्जेक्ट को कवर किया था, लेकिन कुछ बच्चे ने कमेंट्स करके लिखे थे कि सर सिलेबस ये मैच नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो वो आपने स्टूडेंट पुराना सिलेबस KME के थ्रू आपने उसको देख लिया होगा। ठीक है, बट अब हम जो अपनी क्लासेस करा रहे हैं जो से जैसे हमने लास्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ाया था और फोर्थ सेमेस्टर में भी जितने भी हमने अपने सब्जेक्ट को यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ाया है, ठीक है, सभी हमने अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमारे लेक्चर्स वीडियो हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। तो जैसे कि आप सभी स्टूडेंट अगर हमारे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन जेई क्लासेस मेरठ को इंस्टॉल करके वहाँ पे अपने फोर्थ सेमेस्टर के जो भी आपके सब्जेक्ट हैं जैसे कि आपका मैथ है, ठीक है, अप्लाइड थर्मोडाइनेमिक्स है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और साथ ही साथ आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, तो इन सभी की रिकॉर्डेड वीडियो आपको हमारे एप्लीकेशन जेई क्लासेस मेरठ पर आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको स्टूडेंट वहाँ पे PDF नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम टाइम पर आप सब लोग देख पा रहे हैं आपको वन शॉट वीडियोज हम देंगे और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो कल अगर मैं बात करूंगा इससे पहले हमने स्टूडेंट अपना यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूनिट नंबर फर्स्ट में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, उन सभी को हमने सॉल्यूशन वहाँ पे सॉल्यूशन सहित हमने अपनी क्लास में उन सभी को सॉल्यूशन किया था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था उसमें 5-6 से न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो हर बार बेसिकली इस मेथड्स के ऊपर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन सभी की न्यूमेरिकल्स को आपको प्रैक्टिस करनी है और आज की क्लास में देखेंगे कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेसिकली जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टूडेंट फोर्थ सेमेस्टर में आपका जो टफ सब्जेक्ट होता है वो सोम का ही होता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल और आपको डेरिवेशन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। तो यूनिट नंबर सेकंड जैसे कि आप सब लोग जानते हैं सेंट्रोइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका सेकंड यूनिट नंबर सेकंड का आपका चैप्टर्स का नेम है। ठीक है, और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती क्या है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं स्टूडेंट कोई भी हमारी बॉडी होती है किसी बॉडी का, फिर हम कह सकते हैं कोई भी हमारी बॉडी उस बॉडी का पूरा ही वेट जो होता है, मास जो होता है वो किसी एक सेंटर पॉइंट पर हमारा वेरी करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट कोई भी बॉडी होती है जब हम उसको ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो जब नीचे की तरफ आती है क्यों आती है, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा वेयर वूल मास ऑफ द बॉडी इज एक्ट एट ए पॉइंट। ठीक है, वूल मास ऑफ ए बॉडी एक्ट एट ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट विल बी एडमिट इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। मतलब कि बॉडी के एक सेंटर में एक हमारा ऐसा पॉइंट होता है जहां पे उसका पूरा ही जो वेट होता है या मास होता है वो वहां पे वेरी करता है और उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला जाता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो दिस पॉइंट विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट इज नोन एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब बात करेंगे सेंट्रोइड के बारे में कि सेंट्रोइड क्या होता है। देखो दोनों डिफरेंस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड में दोनों में हमारा क्या आता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेंट्रोइड क्या होता है। तो सेंट्रोइड क्या होता है कि स्टूडेंट जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे 2D सेक्शंस वगैरह होते हैं, मतलब 2D बॉडी होती है, मतलब जिसका हमारा कोई मास नहीं होता लेकिन एरिया होता है और उसका हम क्या कहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो हमारा जो सेंटर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि द प्लेन फिगर लाइक ट्राइंगल, जैसे हमारा ट्राइंगल है या फिर रेक्टेंगुलर है या फिर स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारी 2D बॉडीज हमारी होती है। ठीक है, हैव नो ओनली एरिया, मतलब हैव ओनली एरिया, जो केवल अपना एरिया रखता है, नो मास, मास उसका नहीं होता है, तो सेंटर ऑफ एरिया, तो उसके एरिया के सेंटर को ही हम क्या कहते हैं, प्लेन के, उसको सेंट्रोइड बोला जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मेन पॉइंट आपको ध्यान रखनी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है बेसिकली हम अपना 3D बॉडीज के लिए निकालते हैं, जैसे कि हमारा स्फीयर हो गया, कोन हो गया। ठीक है, और ये जो होते हैं हमारी 3D बॉडी जो होती है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी मिड पॉइंट में वेरी करता है,
वो हमारा क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। और सेंट्रोइड क्या होता है, जो हमारे स्ट्रेंथ सेक्शंस वगैरह होते हैं, प्लेन वगैरह होते हैं, उनका एरिए से मतलब होता है लेकिन उनका मास से हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो उस एरिए के सेंटर को ही हमको क्या कहते हैं, सेंट्रोइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स को, सेंट्रोइड बोला जाता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, ये आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे कि हमारे जो प्लेन या फिर सेक्शंस हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, या फिर कह सकते हैं सेंट्रोइड को किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, और फिर डिस्कस करेंगे अपने सॉलिड बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, ठीक है। तो अगर कोई मेरी बॉडी सेक्शन है, सेक्शन का मतलब कोई 2D बॉडी है जिसका केवल हमको एरिया पता होता है, मास हमको नहीं पता होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, सेंट्रोइड को फाइंड आउट किया जाता है। और सेंट्रोइड हमेशा कहाँ पे करता है, हमारे उस एरिया के मिड पॉइंट पे हमारा वैली करता है। और उसी तरीके से बात कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, हमारे 3D बॉडीज के लिए होता है, जो डिपेंड करता है उस बॉडी के मास पर, जो डिपेंड करता है उस बॉडी के मास पर। और साथ ही साथ वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी will be admit at the midpoint of the body, ठीक है। तो देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर कि सेंट्रोइड देखेंगे हमारे प्लेन्स के ऊपर। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई हमारा रेक्टेंगुलर है, क्या स्टूडेंट हमारा रेक्टेंगुलर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज द रेक्टेंगुलर है, कोई रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर है, ठीक है। इसकी साइड हम मान लेते हैं दैट इज द ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका सेंट्रोइड को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो फाइंड आउट करने का बेसिकली एक फंडा हमारा ये होता है कि हम क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर कि इसके डायगोनल को इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे और इसके डायगोनल को इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे। तो जहां पे दोनों डायगोनल्स आपस में मिड पॉइंट पे हमारे मिलते हो या मीट्स करते हो, वही हमारा क्या कहलाएगा, सेंट्रोइड हमारे यहाँ पर एडमिट हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, सेंट्रोइड हमारे यहाँ पर एडमिट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी रेक्टेंगुलर सेक्शन हमारा होता है तो उसका जो सेंट्रोइड होता है वो बेसिकली हमारा प्रेजेंट होता है या फिर वैरी करता है या एग्जिस्ट करता है जहां पर हमारे उस रेक्टेंगुलर के जो डायगोनल्स आपस में मीट्स करते हैं, जो आपस में काटते हैं, वही हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एडमिट करता है, ठीक है। साथ ही साथ इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फिर कह सकते हैं सेंट्रोइड को फाइंड आउट करने के लिए हमारा दूसरा फंडा ये होता है कि मान लीजिए ये हमारी इसकी डिस्टेंस कितनी है, डेट इज द ए एंड दिस इज द बी, ठीक है। तो हमारी विड्थ और डेप्थ, मतलब विड्थ इज द ए एंड डेप्थ इज द बी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, इस विड्थ का हाफ कर देंगे तो यहाँ हाफ हमारा इतना हो जाएगा, और इसके डेप्थ का हाफ कर देंगे तो हाफ इतना हो जाएगा। तो इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स होता है इसी पॉइंट को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, इसी को सेंट्रोइड बोला जाता है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर का सेंट्रोइड को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डेट इज द ए बाई टू कर सकते हैं और हमारा b by 2 कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेंट्रोइड को फाइंड आउट किया जा सकता है। इतना क्लियर है कि किस तरीके से यहाँ पे अपना सेंट्रोइड को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर के अकॉर्डिंग अपना सेंट्रोइड को फाइंड आउट करना, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे क्या देखा कि देखेंगे यहाँ पे स्ट्रेंथ डेट इज द स्क्वायर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, डेट इज द ए, हम मान लेते हैं डेट इज द ए बी सी डी। तो आप सब लोग जानते हैं जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, तो इसका हम क्या करेंगे, डायगोनल्स को इस तरीके से मिला देंगे और इसके डायगोनल्स को इस तरीके से मिला देंगे। तो दोनों ही डायगोनल्स जहां पर एक दूसरे को मीट करते हैं वहीं पे हमारा क्या होगा, सेंट्रोइड होगा। या फिर दूसरा फंडा हमारा क्या होगा, क्योंकि इसकी लेंथ मान लीजिए हमारा ये विड्थ हमारी ए है और डेप्थ भी हमारी कितनी होगी, ए होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर के लिए हमारी जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए बाई टू, डेट इज द ए बाई टू। तो जहां पे हम करेंगे वही यहाँ पे इसको क्या हो जाएगा, हमारा सेंट्रोइड हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट एक्स एक्स के अकॉर्डिंग अगर सेंट्रोइड अपना निकालूंगा, सेंट्रोइड निकालेंगे डेट इज द, तो एक्स वन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ए बाई टू हमारी हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, ए बाई टू। तो कहने का मतलब क्या है, इसका जो ये वाला है एरिया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा स्टूडेंट, ये दिस इज द एक्स एक्स, और इसके ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारा वाई वाई कहलाएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट सेंट्रोइड इन द एक्स एक्स एक्सिस पर, तो हमारा x1 डेट इज द ए बाई टू हो जाएगा, और बात करेंगे y y के अकॉर्डिंग, तो y y का मतलब विड्थ का हाफ कर देंगे तो डेट इज द y1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी b बाई टू, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे इसका x x एक्सिस और y y एक्सिस हमारा सेम होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेट इज द x बराबर हमारा a बाई टू होगा
और y बराबर भी हमारा कितना हो जाएगा, a बाई टू हमारा हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। रेक्टेंगुलर का हमारा सेंट्रोइड क्या होता है, स्क्वायर का सेंट्रोइड क्या होगा, इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे, कोई हमारा ट्राइंगल है और ट्राइंगल का सेंट्रोइड को फाइंड आउट करना है, तो ट्राइंगल का सेंट्रोइड दैट इज द ए बी एंड सी इसको मान लेते हैं। अब इसके क्या करेंगे, इसका डायगोनल्स बेसिकली हमारा एक साइड्स के मिड पॉइंट में वैरी करता है, इसका मिड पॉइंट्स में यहाँ पे वैरी करेगा और इसके मिड पॉइंट्स में यहाँ पे वैरी करेगा। तो तीनों ही डायगोनल्स के जो हमारी ये साइड्स होती हैं, जहाँ पे हमारा मीट करेगा यहीं पे हमारा सेंट्रोइड वैरी करेगा। ठीक है, और या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो सेंट्रोइड होता है वो बेसिकली इसकी जो हाइट होती है वो हमारी होती है कितनी, h बाई थ्री। कितनी होती है हमारी, h बाई थ्री होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा जो सेंट्रोइड होगा रेक्ट किसका, ट्राइंगल का सेंट्रोइड को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, y बराबर हमारा कितना होता है, h बाई थ्री होता है। y बराबर कितना होता है हमारा, h बाई थ्री। ठीक है, ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में, तो y एक्सिस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा कोई हमारा स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, दिस इज द सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल का तो यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे सेमी सर्किल का सेंट्रोइड फाइंड आउट करेंगे। तो सेमी सर्किल का सेंट्रोइड बेसिकली आप सब लोग जानते हैं, दिस इज द, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारे स्ट्रेंथ डी हो जाएगा, दैट इज डायमीटर डी। लेकिन इसका जो सेंट्रोइड होता है वो कुछ हमारे ऊपर की तरफ हमारी वैरी करता है, जिसका डिस्टेंस हमारा यहाँ पर कितना होता है स्ट्रेंड, अगर मैं बात करूंगा तो इसकी जो डिस्टेंस होती है वो हमारी यहाँ पर होती है, दैट इज द 4r/3π। कितना होता है, 4r/3π, जिसमें हम बात कर सकते हैं y बराबर कितना हो जाएगा, 4r/3π। तो इसके सेंट्रोइड को हम फाइंड आउट करते हैं, जिससे द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द सेंट्रोइड, दैट इज द 4r/3π हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना सेंट्रोइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्वार्टर सर्किल। क्या आता है इसमें, हमारा क्वार्टर सर्किल आता है। तो दिस इज द क्वार्टर सर्किल। तो बेसिकली ये क्या है, हमारा सर्किल का 1/4 पार्ट हमारा होता है। तो यहाँ पे इसका कोई भी हमारा सेंटर होगा, डेट इज द आर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा आर हो जाएगा। इसका जो सेंट्रोइड होगा वो बेसिकली यहाँ पे हमारा वेरी करेगा, और जिसकी यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा, 4r/3π। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी इसकी वो भी हमारी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 4r/3π। ठीक है, तो हमारी इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4r/3π। तो इसको लिख सकते हैं, डेट इज द वाई बराबर हमारे कितना होगा, 4r/3π, और x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 4r/3π। अब आपको ये तो कंफ्यूज नहीं है कि मैंने y क्यों लिख रहा हूँ, ये x क्यों लिख रहा हूँ। देखो y जो होता है वो रेस्पेक्ट ऑफ द x एक्सिस के अबाउट होता है भाई। हमारा ये वाला जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है, तो हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग हम उसको x मानते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कितना चलेंगे हम, 4r/3π चलेंगे। और वर्टिकल के अकॉर्डिंग बात करेंगे y एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो y के अकॉर्डिंग कितना चलेंगे, 4r/3π चलेंगे। तो ये हमारी क्या होती है, डिस्टेंस होती है फ्रॉम द सेंट्रोइड ऑफ द साइड्स। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 4r/3π होगी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 4r/3π होगी। इसी तरीके से मैंने सेमी सर्किल में किया है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, दैट इज द 4r/3π होगी। ठीक है, तो ये हमारा x और y इस तरीके से यहाँ पे अपने एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सेंट्रोइड ऑफ प्लेन के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि सेंट्रोइड ऑफ प्लेन हमारा क्या होते हैं और किस तरीके से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ बात करेंगे नेक्स्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड बॉडी। अब मैंने आपको यहाँ पर देखा कि यहाँ पे हमारी 3D बॉडीज हैं, और 3D बॉडीज में क्या करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं हमारा क्या है, क्यूब है। क्या स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा क्यूब है, दिस इज द क्यूब, जिसकी हमारी 6 साइड्स हमारी होती हैं। ठीक है, 6 साइड्स के रिगार्डिंग हम इसको बात कर सकते हैं, दैट इज द ए बी सी ई एफ एंड जी एंड एच। ठीक है, तो 6 साइड्स हमारी हो गई हैं। तो वन फेस दिस एंड सेकंड फेस दिस एंड थर्ड फेस इज दिस। तो यहां से हम मान लेते हैं दैट इज द ए, हमारा कितना होगा, ए होगा। यहां से हमारा बी हो जाएगा और यहां से हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूब का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे स्टूडेंट फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा होगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे इसका स्टूडेंट, इसका करेंगे डेट इज द इसका हाफ, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स के रिगार्डिंग ए बाई टू कर देंगे, वाई के रिगार्डिंग क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर बी बाई टू कर देंगे, और जेड के रिगार्डिंग कर देंगे यहाँ पर स्टूडेंट सी बाई टू। तो तीनों का हाफ करके जहाँ पे हमारा तीनों ही डायगोनल्स आपस में मीट करती हैं, तो वहां पे हमारा क्या करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा लाई करेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करेगा, वहां पे स्टूडेंट हमारा लाई करेगा।
तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए क्यूब इज एट द डिस्टेंस ऑफ एल बाई टू फ्रॉम एवरी फेसेस, या फिर हम कह सकते हैं जितने भी फेसेस हमारे हैं उन सभी का हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे, और हाफ करके क्या कर सकते हैं अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्यूब का समझ के आगे किस तरीके से कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, सिलेंडर है, कोई हमारे कैश है, हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर का हम क्या करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट करेंगे। इसका सेंटर हमारे यहाँ पर होगा, इसका सेंटर यहाँ पे होगा, इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मिला दिया, दिस इज द वाई एक्सिस हमारी हो जाएगी, ठीक है। एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, डेट इज द एक्स, या फिर इसके सेंटर यहाँ पे हमारा होगा। तो कोई भी हमारा सिलेंडर, इसका सेंटर कहाँ पे होगा स्टूडेंट हमारा, इसका यहाँ पर होगा, डेट इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। तो इसका जो सिलेंडर का हमारा सेंटर होगा वहीं पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं कि इसकी जो हाइट है डेट इज द एच है, इसकी हाइट कितनी स्टूडेंट हमारी h है, तो हम क्या करेंगे h by 2 कर देंगे, कितना कर देंगे h by 2। तो हमारे बेस से h by 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे इधर की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या निकल के जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा निकल कर आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं कि सिलेंडर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो हमारा कितना होता है h by 2 से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। h by 2 से इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, कोई हमारी कोन है, जैसे कोन आप लोगों ने देखा होगा आइसक्रीम वगैरह खाते हैं तो वो एक तरीके से कोन होती है, कोन हमारी एक थ्री डायमेंशनल हमारी बॉडी होती है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसका सबसे पहले सेंटर हमारे यहाँ पर होगा भाई, हमारा जो ये सर्किल होगा उसका सेंटर यहाँ पे होगा। अब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इसको हम यहाँ पे वाई एक्सिस मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं वाई एक्सिस। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसकी जो डिस्टेंस होती है यहाँ पे यहाँ तक की, वो बेसिकली हमारी कितनी होती है, इसकी जो डिस्टेंस अगर मैं बात करूंगा वो हमारी डिस्टेंस होती है एच बाई फोर, कितनी होती है हमारी एच बाई फोर। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं डेट इज द वाई डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, एच बाई फोर हमारा हो जाएगा। तो हमारी जो पोजीशन होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेट इज द जी की, तो वो हमारी बेस से कितनी हो जाएगी, डेट इज द एच बाई फोर, और यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस होती है इसी को वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में कराया था, ठीक है। आगे हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, उसमें भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे, कोई हमारे पास क्या है स्टूडेंट, स्फीयर है, डेट इज द स्फीयर, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं स्फीयर, आप सब लोग जानते हैं कोई हमारा क्या होता है गोला, गोले को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्फीयर बोला जाता है, ठीक है। इसका अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे इसका सेंटर कहाँ पर होगा, इसका सेंटर यहाँ पे मिड पॉइंट में हमारा वेरी करेगा, डेट इज द जी। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलरेडी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से, डेट इज द वाई बराबर हमारे कितना होगा, डेट इज द डी बाई टू हो जाएगा, और एक्स बराबर भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, डी बाई टू हो जाएगा, क्योंकि इसका जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है वो हमारा कितना होता है, डी डायमीटर होता है। अगर एक्स के यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो कितना, डी बाई टू चलेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे तो भी डी बाई टू चलेंगे। तो इसका सेंट्रोइड हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा किसका, स्फीयर का, उसकी डिस्टेंस हमारी एक्स बराबर डी बाई टू और वाई बराबर डी बाई टू हमारा रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है स्टूडेंट। इसी के साथ हम बात करेंगे आगे की तरफ, जिसमें देखेंगे यहाँ पर अपना कोई एक हेमी स्फीयर हमको यहाँ पर दिखाया गया, डेट इज द हेमी स्फीयर, दिस इज द हेमी स्फीयर, ठीक है। तो हेमी स्फीयर को यहाँ पे बात करेंगे कि हेमी स्फीयर किस तरीके से यहाँ पे हमारा वेरी करेगा, ठीक है। तो हेमी स्फीयर की रिगार्डिंग बात करेंगे तो हेमी स्फीयर में हमारा क्या होता है, बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं इसका सेंटर मानता हूँ डेट इज द आर हमारे यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, लेकिन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे हमारा वेरी करता है, और उसकी बेसिकली जो हमारी हाइट होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बेस से इसकी जो हाइट होती है वो हमारी कितनी होती है, वो होती है हमारी 3r/8π, कितनी होती है 3r/8 हमारी होती है। बस आपको ये चीज आपको याद रखनी है, डेट इज द वाई बराबर हो जाएगा कितना हमारा, वाई बराबर हो जाएगा हमारा 3r/8 हमारा पर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा स्टूडेंट, यहां पर हमने देखा कि अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, इसके सेंट्रोइड हमारा क्या होता है, और हमने डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस की रिगार्डिंग अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे आगे की तरफ, जिसमें देखेंगे वो आगे की तरफ कि हमारा कोई एक कंपोजिट सेक्शन होता है और उसके अकॉर्डिंग यहां पे बात करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इस तरीके से यहाँ पर शो कर सकते हैं, फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रोइड ऑफ कंपोजिट बॉडी।
सेंट्रोइड ऑफ कंपोजाइट बॉडी, कंपोजाइट बॉडी का मतलब क्या होता है कि जिस एक ऐसी बॉडी जिसमें हमारे डिफरेंट टाइप के सेक्शन हमारे ऐड होते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूंगा जैसे आपका टी सेक्शन होता है, आई सेक्शन होता है, तो आई सेक्शन में तीन सेक्शन हमारे होते हैं, टी सेक्शन में हमारे दो सेक्शन होते हैं, एस सेक्शन में दो रेक्टेंगुलर हमारे होते हैं। मतलब एक रेक्टेंगुलर है, दूसरा रेक्टेंगुलर हमने उसमें ऐड कर दिया, तीसरा रेक्टेंगुलर हमने ऐड कर दिया, तो वो एक तरीके से हमारी क्या कहलाती है, कंपोजाइट बॉडी कहलाती है। कंपोजाइट का मतलब क्या होता है, एक मिक्सचर, ठीक है, एक मिक्सचर्स ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड द कंपोजाइट बॉडी। तो हम अगर मैं बात करूंगा कोई हमारी कंपोजाइट बॉडी है, उस कंपोजाइट बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी को किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, या हम क्या करेंगे, सेंट्रोइड फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी हमारा प्लेन है या फिर हमारा कोई भी सेक्शन है, उससे क्या निकालते हैं, सेंट्रोइड निकालते हैं, या कोई बॉडी हमारी 3D में है तो वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकालते हैं, ठीक है। मेरे मुंह से मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड निकल जाता है, बट आपको माइंड में फिक्स करना होगा, ठीक है। तो सेंट्रोइड ऑफ कंपोजाइट बॉडी का हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई हमारी इस तरीके से रेक्टेंगुलर बॉडी है, अब इस रेक्टेंगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ सेंट्रोइड जो होगा उसके मिड सेंटर में होगा, दैट इज द जी, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारा y1 होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारा x1 होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इस बॉडी में अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और सेक्शन यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूंगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा यहाँ पे वेरी कर जाएगा, दैट इज द जी, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हमें बात कर सकते हैं, दैट इज द x2, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x2, और ये हमारी हो जाएगी y2, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी y2 हो जाएगी। तो इन दोनों का जो सेंट्रोइड होगा इन द रेस्पेक्ट ऑफ द एक्सएक्स, तो बेसिकली कहां वेरी करेगा, यहां पे हमारा वेरी करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज द जी डैस, ठीक है। तो इन दोनों सेक्शन का यहां पे इस तरीके से सेंट्रोइड ऑफ ग्रेविटी हमारा वेरी करेगा। तो बेसिकली हमारी जो कंपोजाइट बॉडीज होती हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा एल सेक्शन है, टी सेक्शन है, आई सेक्शन है, कोई भी रेक्टेंगुलर है, ट्राइंगल है, तो वहां पे उनका जो सेंट्रोइड ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं किसी भी कंपोजाइट बॉडी का, वो बेसिकली यहाँ पे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, दैट इज द एक्स बार। अगर हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो वहां पे क्या होगा, एक्स बार दैट इज द a1x1 प्लस के a2x2 प्लस के a2x2 प्लस के a3x3 प्लस के डॉट डॉट डॉट, कितने भी सेक्शन अगर हमारे जुड़े, अगर तीन सेक्शन जुड़ने तो तीन हमारा आ जाएगा, और नीचे हमारा होता है a1 प्लस के a2 प्लस के a3। तो कहने का मतलब क्या है कि इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा बाय द एक्स बेस के रिगार्डिंग, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी कितनी होगी, वो हमारी वाई बार होगी, ठीक है, वाई बार। लेकिन अगर मैं बात करूंगा इसके ये तो हमारी वर्टिकल हो गई, लेकिन हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी हो जाएगी एक्स बार, कितनी हो जाएगी हमारी एक्स बार हो जाएगी। तो वही एक्स बार हमने यहाँ पे निकाला है, ठीक है, वही एक्स बार मैंने यहाँ पे निकाला है। और उसी तरीके से क्या करते हैं, वाई बार की वैल्यू को निकालते हैं, तो वाई बार हमारा हो जाएगा a1 y1 a2 y1 a1 y1 a2 y2 a3 y3 अपॉन a1 a2 a3, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टूडेंट इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, ये भी हमारा प्लस डॉट 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 हो जाएगा, ये प्लस डॉट डॉट डॉट, ये प्लस डॉट। इस तरीके से अगर हमारे दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पांच हैं, कितने भी सेक्शंस वगैरह होते हैं, तो वहां पे इस तरीके से उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको समझाने के लिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द चैनल सेक्शन 10 mm, 50 mm, 15 mm, तो इसको सेंट्रोइड कर लेना, ठीक है, इसको सेंट्रोइड कर लेना, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने लिखा। फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ए चैनल सेक्शन, इसका चैनल सेक्शन दे रखा है, ठीक है, दिस इज द, यहाँ से यहाँ तक की हाइट दे रखी है हमको 100 mm दे रखा है, दिस इज द 50 mm एंड दिस इज द 15 mm। तो ऑफिसली अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे स्ट्रेंथ इसके अकॉर्डिंग, तो इसकी भी जो हाइट होगी ना वो भी यहाँ पे हमारी कितनी हो जाएगी, हमारी 50 mm हो जाएगी, ठीक है, और इसकी भी हमारी कितनी हो जाएगी, ये 15 mm, दिस इज द 15 mm हमारा इसका हो जाएगा, इतना क्लियर है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको मैं सेक्शन मान लेता हूँ फर्स्ट, इसको सेकंड एंड इसको थर्ड में यहाँ पे मान लेता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको उसका कह रहा है कि इसका सेंट्रोइड आपको फाइंड आउट करना है, सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग भी करना है और वाई एक्सिस के रिगार्डिंग भी आपको यहाँ पर सेंट्रोइड को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग भी कर सकते हैं, वाई एक्सिस के रिगार्डिंग भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो मैं बात करूंगा यहाँ पे स्टूडेंट, पहले सेक्शन फर्स्ट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट सब सेक्शन एक, बात करेंगे सेक्शन एक के लिए, तो सेक्शन एक को अगर मुझे सॉल्व करना होगा ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसका पहले एरिया निकालेंगे, तो एरिया दैट इज द a1 निकालेंगे, तो a1 हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज द 15 into 150,
इंटू 15, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी कितनी, सेवन फिफ्टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 750 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करूंगा, एक्स वन की वैल्यू को निकालूंगा, तो एक्स वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब हॉरिजॉन्टल का हाफ कर देंगे तो 50/2 कर देंगे, यहाँ पर कितना कर देंगे 50/2, डेट इज द 25 mm हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, 25 mm हमको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अगर मुझको वाई वन की वैल्यू निकालनी होगी, वाई वन, तो वाई वन की वैल्यू जो निकालेंगे ना यहाँ पर स्टूडेंट, वो किस तरीके से निकालेंगे, वो इसके यहाँ से मेजरमेंट करेंगे, इसके बेस से मेजरमेंट करेंगे। तो वाइवर की वैल्यू जो निकालेंगे वो हमारी कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे हम यहाँ से आते कि डिस्टेंस कितनी है, 100 है, तो 100 में से हाफ कर देंगे कितने माइनस को, मतलब 15 को हाफ कर देंगे, तो 100 माइनस 15 की यहाँ से इसका तो आधा हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, डेट इज द 85 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी चलो हम यहाँ पे वाई वन नहीं निकाल रहे, बस बेसिकली मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है हमारी, 100 है, और हमको यहाँ तक इसका सेंटीपॉइंट यहाँ पे वैरी करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक 100 में से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 100 में से तो 100 माइनस 15/2 कर देंगे, ठीक है, तो हमारी कितनी आ जाएगी, 85 हमारी आ जाएगी, ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे बात कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे सेक्शन टू के लिए, देखेंगे यहां पर स्टूडेंट, सेक्शन सेक्शन टू, तो सेक्शन टू डेट इज द, मैंने इसको माना है सेक्शन टू, तो सेक्शन टू की रिगार्डिंग यहां पे बात करेंगे कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पहले इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया हमारा हो जाएगा यहां पर स्टूडेंट ए टू बराबर, तो इसका एरिया कितना होगा, अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट इसके एरिया के बारे में, तो 15 ये है, 15 ये है, तो 15 × 15 = 30, तो 100 में से 30 को माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 70, तो 70 मल्टीप्लाई उसकी विड्थ कितनी है, 15 दे रखी है, तो 15 × 70 = 1050 mm² हमारे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, इसका जो डिस्टेंस होगा डेट इज द x2 की जो वैल्यू होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी इसका, इसका कहाँ पे वैरी करेगा, यहाँ पे वैरी करेगा, 15 का हाफ कर देंगे, तो 15 का हाफ करेंगे तो कितना जाएगा 7.5 mm हो जाएगा, ठीक है, इतना आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर सेक्शन या फिर कह सकते हैं सेक्शन, बात करेंगे तीन के बारे में, तो सेक्शन तीन में देखेंगे ये वाला सेक्शन तीन, तो इसका एरिया निकालेंगे सबसे पहले, डेट इज द A3 निकालेंगे, A3 हमारे कितना हो जाएगा 50 × 15 डेट इज द 750 mm का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे स्टैंड हमारा जो X3 होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 का हाफ कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25 mm हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी हमने केवल क्या क्या है, तीनों ही सेक्शन का एरिया निकाल दिया, और यहाँ पे स्टैंड सेंट्रोइड, जो तीनों सेक्शन का जो सेंट्रोइड होगा, यहाँ का इसका सेंट्रोइड यहाँ पे वैरी करेगा डेट इज द G1, इसका सेंट्रोइड यहाँ पे वैरी करेगा डेट इज द G2, इसका सेंट्रोइड यहाँ पे वैरी करेगा डेट इज द G3, ठीक है। तो जैसे कि मैं बात करूंगा X1 की जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है डेट इज द X1, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी X2 होगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी हमारी X3 होगी, ठीक है। अब हमको क्या करना है इसका, इस सेक्शन का XX के अबाउट क्या करना है, XX के अबाउट हमको यहाँ पर इसका सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है, तो इसका सेंट्रोइड जो होगा वो बेसिकली कहाँ पे वैरी करेगा, ठीक है, तो वो उसको हमको यहाँ पर देखना है। देखेंगे स्टूडेंट आगे की तरफ, तो यहाँ पे बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रोइड, ठीक है, तो सेंट्रोइड यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे नाउ, तो हमारा कितना हो जाएगा x बार हमको फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा हमारा a1x1 प्लस के a2x2 प्लस के a3x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस के a3, ठीक है। बस आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट अप करना है, a1 की वैल्यू हमारी आई थी 750, कितना आया था 750 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू आई थी 25 प्लस के, फिर हमारा वैल्यू आया था 1050 मल्टीप्लाई डेट इज द 7.5 मल्टीप्लाई 750 मल्टीप्लाई 25 अपॉन, ये हो जाएगा हमारा 750 प्लस के 1050 प्लस के 750, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आपको यहाँ पे x बार की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो इसको सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर 17.79, कितना आएगा 17.79 mm आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट इसका जो सेंटर होगा एक्सेस के रिगार्डिंग, तो हम कितना चलेंगे 17.79, ठीक है, 17.79 हमारे यहाँ पर वैरी करेगा, तो 25 तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा 25, तो यहाँ पे क्या करेगा हमारा सेंटर यहाँ पे इसका
वेरी करेगा x x के अबाउट। यदि हमको y एक्सिस के अबाउट हमको करना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे स्टैंड, तो यहाँ पर देखेंगे y एक्सिस के लिए, तो y एक्सिस के लिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको y1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो y1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 100 माइनस के 15 अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा कितना, 100 माइनस के 7.5, कितना हो जाएगा 7.5 हमारा हो जाएगा। तो डेट इज द वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगा, 100 माइनस के 7.5, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी ये, तो ये 92.5 mm हमको यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरीके से बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट y2 के बारे में, तो y2 का जो हमारा सेंट्रोइड होगा वो यहाँ से आता है, इसका यहाँ पे वेरी करेगा, मतलब इसका ये कितना हो जाएगा, अगर मैं 100 का हाफ करूंगा यहाँ पे क्या करूंगा, 100 का हाफ कर देंगे तो इसका सेंट्रोइड हमको मिल जाएगा, डेट इज द 50 mm हमको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसका जो y3 होगा वो हमको यहाँ पे यहाँ से कितना मिलेगा, 15/2, तो 15/2 मतलब 7.5 mm हम यहाँ को मिल जाएगा। बस आपको अब क्या करना होगा, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, y बार निकालना होगा, डेट इज द y बार। तो y बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a1 y1 प्लस के a2 y2 प्लस के a3 y3 आपको मिल जाएगा, अपॉन हो जाएगा आपका यहाँ पर a1 प्लस a2 प्लस a3। ठीक है, आपको केवल क्या करना है, वैल्यू को पुट अप करना है, डेट इज द 750 into 92.5 y1 की वैल्यू कितनी थी, 19.5, ठीक है, प्लस के हमारा हो जाएगा 1050 मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा 50 प्लस के हमारा हो जाएगा 750 इंटू कितना हो जाएगा 7.5 अपॉन डेट इज द 750 1050 750। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे अपना वाई बार की वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू और y3 की वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट अप कर दिया, तो देखेंगे कितनी वैल्यू आएगी, तो 750 मल्टीप्लाई 92.5 ब्रैकेट बंद प्लस ब्रैकेट ओपन 1050 मल्टीप्लाई 50 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, प्लस ब्रैकेट ओपन 750 मल्टीप्लाई 7.5 ब्रैकेट क्लोज, दैट इक्वल डिवाइड करेंगे यहाँ पर 750 मल्टी सॉरी प्लस के आएगा 1050 प्लस क्या आएगा 750, तो वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पर 50, कितना आएगा यहाँ पे आपको 50 यहाँ पे मिल जाएगा 50 mm। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, x में जाएंगे 17.79 और y में जाएंगे कितना 50, तो y में कितना जाएंगे 50, तो यहाँ पे इसका हाफ यहाँ पे हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे वेरी करेगा, तो इसका यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी y बार हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मैंने अभी निकाला है ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी y बार, ये कितना होगा y बार, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी x बार होगी। ठीक है, तो x बार में हमको कितना जाना है, तो पहले y बार में जाएंगे कितना 50, फिर x बार में कितना जाएंगे, x बार में जाएंगे 17.72। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या करेगा, इस पूरे सेक्शन का, इस पूरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो यहाँ पे हमारा वैरी करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को क्या करना है स्टूडेंट, सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो यहाँ पे हमने देखा सेंट्रोइड किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, इसके न्यूमेरिकल की आपको प्रैक्टिस करनी है, पेपर में न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं। बात करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि मान लीजिए जब कोई हमारी बॉडी किसी एक सर्कुलर पाथ पर हमारी क्या करती है, वहां पर स्टूडेंट चक्कर लगाती रहती है, और उसके एक्सेलरेशन में जो या फिर कह सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है उसमें अगर कोई भी चेंजिंग ना हो या फिर उसको वो रजिस्ट करे वो ही हमारा क्या कहलाता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। या मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूंगा कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी हमारी किसी सर्कुलर पाथ पर हमारी मूव कर रही है और वो उसकी एक्सेलरेशन में अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो उसको अपोज करे तो हमारा क्या कहलाता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है, जिसको स्टैंड आई से यहाँ पे डिनोट किया जाता है। यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होते हैं बेसिकली हम हमारे दो यहाँ पे देखेंगे, चलो एक बार करके तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पे बात कर सकते हैं कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी एक्सप्रेस बाय द बॉडी रजिस्टिंग एंगुलर एक्सेलरेशन, कि जो हमारी बॉडी है अगर वो हमारे एंगुलर एक्सेलरेशन को रजिस्ट करती है तो वो हमारा क्या कहलाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। या फिर कह सकते हैं विच इज सम ऑफ द मास ऑफ एवरी पार्टिकल with its square of the distance from the axis of the rotation। मान लीजिए कि हमारा इस तरीके सर्कुलर हमारी बॉडी है, इसका सेंटर हमारा सेंट्रोइड हमारे यहाँ पर है और यहाँ से आता है कि डिस्टेंस हमारी कितनी, हमारी वाई है। अब यहाँ पे कोई मेरी बॉडी है जो बॉडी क्या कर रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट हमारा मूव कर रहा है, रिपीडली हमारा मूव करता है। तो सेंट्रोइड हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हमारा क्या होगा स्टूडेंट, इस बॉडी का क्या होगा, मास होगा। इस बॉडी का क्या होगा स्टूडेंट, हमारा मास होगा, और इसके यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी डेट इज द वाई,
का स्क्वायर, तो इसके इसकी बीच की दूरी का स्क्वायर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेट इज द एम इंटू वाई स्क्वायर, इस तरीके से फाइंड आउट हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। या तो हमारी कोई बॉडी अगर सॉलिड है तो उसका मास देखा जाता है, या फिर हमारी कोई बॉडी कोई सेक्शन है तो उसका एरिया देखा जाता है, ठीक है। क्या देखा जाता है स्टूडेंट, एरिया यहाँ पर देखा जाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इन केस यहाँ पे मैं लिख सकता हूं, इन केस व्हेन बॉडी इज सॉलिड देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया is depend on mass of the body, mass of the body, ठीक है। तो यहां पे हमारा हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेट विल इक्वल टू मास इनटू उसका रेडियस का स्क्वायर, इतना क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे बात कर सकते हैं इन द केस, इन केस व्हेन The body is a section, the moment of inertia, the moment of inertia of section is depend on area. यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डेट इज द आई इक्वल्स टू एरिया इंटू आर का स्क्वायर, एरिया इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और आता है रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे स्टूडेंट किसके बारे में, रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, बस आपको स्टूडेंट इसको डिफाइन करना होगा। रेडियस ऑफ जायरेशन होगा हो जाएगा यहाँ पे आर इक्वल्स टू आई अपॉन ए, I upon A, under root I upon A, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ जायरेशन हो जाएगा। दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन यूनिट एरिया, सॉरी, तो दैट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो यहाँ पे m क्या होगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास, ठीक है, और r हमारा क्या होगा स्टूडेंट, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेन के अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे प्लेन्स होते हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किस तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, आगे क्या है हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है, एग्जाम में पूछे भी गए हैं काफी बार। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारी क्या होती है, दो टाइप्स के हमारी थ्योरम होती है, एक हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है, एक हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या कहते हैं कि किसी हमारी बॉडी है, उस बॉडी का जो सेंट्रोइड होता है और उसके अकॉर्डिंग कोई एक डिस्टेंस पर हमारी कोई एक स्ट्रिप लगी हुई है, उसके पैरेलल एक्सिस के पैरेलल हमारी रखी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा उसका सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है वो यहाँ पर देखने को हम देखेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इट स्टेट दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करना होगा, इन द प्लेन ऑफ एरिया इज इक्वल टू, तो यहाँ पे बात कर सकते हैं दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज द, अगर मैं बात करूंगा हमारा कोई भी ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कोई भी हमारा, ये तो हमारा एक्स एक्सिस हो गया, दैट इज द एक्स, एक्स डैश हो जाएगा, ये हमारा वाई एंड वाई डैश हो जाएगा। अब अगर मैं इसके नीचे कोई एक प्लेन खींच लेता हूँ दैट इज द ए बी, ये क्या है हमारा ए बी है, तो ए बी के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालते हैं तो वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे वो यहाँ पर देखने, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इट स्टेट दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इन द प्लेन, अबाउट एनी एक्सिस इन द प्लेन ऑफ एन एरिया, तो इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी प्लेन इज इक्वल्स टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल सेंट्रोइड एक्सिस। सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जो हमारे यहाँ पे पैरेलल एक्सिस रखी हुई है, मतलब कोई स्ट्रिप रखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज द आई जी, हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। कितने भी हमारे इसके अंदर सेक्शंस हैं उन सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पैरेलल सेंट्रोइड एक्सिस एंड द प्रोडक्ट ऑफ एरिया, मतलब उस स्ट्रिप का प्रोडक्ट ऑफ एरिया दैट इज द ए
एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, दैट इज द, यहां से डिस्टेंस कितनी हमारी वाई, तो वाई का स्क्वायर हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ द वाई, या फिर कह सकते हैं हमारा स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग सेंट्रोइड, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। तो ये पैरेलल एक्सिस है हमारी, ये पैरेलल एक्सिस, दोनों पैरेलल एक्सिस के अकॉर्डिंग हमारा जो डिस्टेंस है दैट इज द एच, इसको एच का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये यहाँ पर डिनोट करता है पैरेलल एक्सिस, ठीक है। ये क्या होता है हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है, इसको यहाँ पे स्टूडेंट डिस्कस कर सकते हैं। तो जहां पे हम बात कर सकते हैं आई ए बी क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया अबाउट ऑन एक्सिस ए बी, आई जी क्या है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ए इज द एरिया एंड एच डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन एंड एक्सिस ए बी, मतलब हमारा जो सेंट्रोइड हमारा होगा इस सेक्शन का और इसके पैरेलल हमारा कोई एक एक्सिस है दैट इज द ए बी, इस बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी एच का स्क्वायर हमारा होगा। तो आपको कहीं भी स्टूडेंट अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा किसी भी सेक्शंस का या फिर किसी सेक्शन का किसी प्लेन के एक्सिस, तो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा उस सेक्शन का, उसके बाद आपको यहाँ पे एरिया और हाइट के अकॉर्डिंग उसमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। कोई नहीं, आगे देखेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे इसको डिफाइन करती है, साथ ही साथ यहाँ पे स्टूडेंट हमारा आगे की तरफ हमारा होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया, ये हमारा कोई एक एरिया है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट एनी एक्सिस परपेंडिकुलर होगा। देखो यहाँ पे क्या, इसका अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा एक्सिस के अबाउट, इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे सेंट्रोइड होगा, और वाई एक्सिस के अबाउट इसका परपेंडिकुलर हमारा सेंट्रोइड यहाँ पे होगा। तो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एट एनी पॉइंट ओ इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टू मच्युअली परपेंडिकुलर एक्सिस through the same point O and lying in the plane of the given area। तो basically यहाँ पे perpendicular axis theorem के अगर according हमको बात करनी होगी, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है student, कि consider यहाँ पे बात कर लेते हैं, consider an elemental area that is the dA, कोई एक हमारा area है जिसको हमने यहाँ पे क्या माना, वो छोटा सा हमने dA यहाँ पे आपको उसको मान लिया है, ठीक है। dA at a distance r from point A, इस point O के about इसकी जो distance है that is the, हमने यहाँ पे क्या मान लिया, radius that is the r हमने इसको मान लिया। तो अगर मैं बात करूंगा वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज द वाई एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज द एक्स, जैसे कि आप लोग यहां पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं लेट डी ए हैव कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई, देन फ्रॉम द डेफिनेशन बेसिकली यहां पे हमारा क्या होगा दैट इज द आई जेड जेड, हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हमारा समेशन होगा किसके स्टैंड, दैट इज द एरिया डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू डी ए। मतलब अभी मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एरिया इनटू आर का स्क्वायर, यदि हमारा कोई 2D बॉडी हमारी होती है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया, बस आपको क्या कहना है आर स्क्वायर हमारा किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के बराबर, जैसे कि आप सब लोग यहाँ पर जानते हैं। तो आर स्क्वायर मतलब कोई भी डायगोनल चीजें है उसका अकॉर्डिंग हमारा कितना हो जाएगा दैट इज द एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इंटू के डी ए, हमारे यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारा डी ए, दैट इज द समेशन डी ए, हो जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी ए प्लस के समेशन वाई स्क्वायर इंटू डी ए समेशन y स्क्वायर इनटू dA। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दैट इज द आई जेड जेड इक्वल्स टू समेशन x स्क्वायर इनटू dA, तो दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द रेस्पेक्ट ऑफ द x x प्लस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द रेस्पेक्ट ऑफ द y y, तो यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम इसको यहाँ पर कहते हैं। और ये आई जेड जेड इज ऑल्सो कॉल्ड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारा जो आई जेड जेड होता है हमारा जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग, इसी को क्या कहते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अबाउट, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो पहले आपको क्या करना होगा एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, फिर वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, दोनों को एड कर देंगे तो आपको यहाँ पर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, जिसको क्या कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्या कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक प्लेन का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन, यहाँ पे कोई एक हमको रेक्टेंगुलर सेक्शन दिखाया गया है, यहाँ पे हम क्या कहना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जिसमें देखेंगे कि हमारा ए बी सी डी एक कोई हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है और इसके अंदर हमारी कोई एक स्ट्रिप रखी है जिसके सेंट्रोइड से उसकी डिस्टेंस कितनी है वाई है। तो हमारे रेक्टेंगुलर ए बी सी डी का जो सेंट्रोइड है वो हमारा जी है और सेंट्रोइड से वाई डिस्टेंस पर कोई हमारी एक
शिप है जो हमारी यहाँ पर पी क्यू आपको एक फिगर में शो हो रही है, और ये जो पी क्यू स्ट्रिप है इसकी जो विड्थ है डेट इज द बी है एंड दिस इज द एरिया ऑफ द डी वाई, ठीक है, मतलब यहाँ पे बात कर सकते हैं इसका जो डेप्थ होगा वो हमारा यहाँ पर डी वाई हमारा इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट की हमारा इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको हम फाइंड आउट करने के लिए हमारा क्या होता है, तो मैं यहाँ पे फॉर्म में लिख रहा हूँ, मैंने अपने क्वेश्चंस मतलब अपने जो अपने क्लासेस मैंने कराई थी वहाँ पे प्रॉपर तरीके से इन सभी को ड्राइव किया था किस तरीके से यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अबाउट अगर हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो एक्स एक्सिस के अबाउट हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है वो आता है बी एच की पावर 3/12, BH की पावर 3/12 हमारा निकल कर आता है। और अगर मैं बात करूंगा स्टैंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया y एक्सिस के अबाउट तो हमारा आता है हमारा क्या h b की पावर 3/12। ये दो फॉर्मुलेज हैं जो आपको स्टैंड याद रखने हैं और ये दोनों फॉर्मुले आपको स्टैंड न्यूमेरिकल में यूज करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारा क्या स्टैंड हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया About x x एक्स, ठीक है, और ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट वाई वाई एक्स, ठीक है, वाई वाई एक्सिस। तो हमारा यहाँ किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए हमारा क्या क्या आएगा, आई एक्सेस हमारा बी एच की पावर 3/12 आएगा और आई वाई वाई हमारा आएगा बी एच की पावर 3/12। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे भूल गया जो आपको बतानी थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट होता है तो यूनिट हमारा आपको स्टूडेंट याद रखना है, यूनिट हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी डेट इज द एम एम एच की पावर 3, एम एम की पावर 3 डेट इज द एम एम की पावर 4। तो आपको ये ध्यान रखना है हर एक क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे और उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करोगे तो उसका हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो यूनिट आपको लिखनी है वो आपको लिखना है कितना, एमएम की पावर 4 आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट्स को डिस्कस कर सकते हैं या फिर साथ ही साथ हम बात करेंगे आगे की तरफ जिसमें देखेंगे नेक्स्ट हमारा प्लेन है हमारा कोई ट्राइंगल प्लेन है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्राइंगल प्लेन के लिए हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट करते हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट, दैट इज द आई एक्स एक्स डैश दैट विल बी इक्वल्स टू हमारा कितना होता है यहाँ पे स्टूडेंट, बी एच की पावर 3/36, बी एच की पावर 3/36। तो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम्स के रिगार्डिंग इसको यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हमारा निकल गया था बी एच की पावर 3/36। इसका भी डेरिवेशन मैंने आपको क्लास में करके बता रखा है तो आई होप आप क्लास में जाकर उसको अच्छे से समझ चुके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि हमारा ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से फाइंड आउट हो सकता है या फिर कह सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर कि हमारा ये तो हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट हो गया, अगर यहाँ पे मुझको वाई एक्सिस के अबाउट निकालना होगा तो वाई एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा एच बी की पावर 3/36, एच बी की पावर 3/36 हम वाई एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो इन दिस डायग्राम हैव यू सीन दैट इज द ट्राइंगल ऑफ द ए बी ए ए डैश दैट इज द बी, मैं इसको यहाँ पे मान लेता हूँ, यहाँ पे क्या है इसका सेंट्रो, इसका जो सेंट्रोइड होगा वो बेसिकली यहाँ पे हमारा वह कहीं ना कहीं हमारा वेरी करेगा, डेट इज मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ इसका सेंट्रोइड यहाँ पे हमारा वेरी करेगा क्योंकि पीछे हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसकी जो बेसिक जो डिस्टेंस होती है सेंट्रोइड की वो एच बाई 3 होती है जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा एक रेक्टेंगल ट्राइंगल के अंदर हमारी कोई एक स्ट्रिप रखी हुई है और उसकी सेंट्रोइड से इसकी यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बेसिकली अगर मैं बात करूंगा या फिर कह सकते हैं बेस ए ए डैश से इसकी जो डिस्टेंस है स्ट्रिप की वो हमारी कितनी है y है, इसका जो डेप्थ उसकी जो विड्थ है डेट इज द वी वन है और यहाँ पे इसका जो एरिया होगा वो हमारा या फिर कह सकते हैं इसकी जो डेप्थ वो हमारी डी वाई है, ठीक है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है एक्स एक्सिस के अबाउट मतलब ए ए डैश के रिगार्डिंग अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ तो बी एच की पावर 3/36 हमारा निकल कर
आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ बात करेंगे नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्किल। यहाँ पे क्या है हमारे स्टूडेंट, सर्किल के अंदर कोई एक हमारी रिंग रखी हुई है और उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट करना है। जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, कोई हमारा एक सर्किल है जिसका डायमीटर कैपिटल डी है, इसके अंदर कोई हमारी सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस हमारा स्मॉल आर है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं इसका जो रेडियस होगा, जिसका जो डायमीटर होगा वो हमारा स्मॉल डी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हमारा यहाँ पे स्टूडेंट किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं वो यहाँ पे बात करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या आता है, दैट इज द आई एक्स एक्स डैश दैट विल बी इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे आता है स्टूडेंट पाई अपॉन 64 और कैपिटल डी की पावर 4। पाई अपॉन 64 अपॉन कैपिटल डी की पावर 4 आपका यहाँ पे क्या निकल के आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखने को आपको मिलता है, ठीक है। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग उसको यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट इसका ध्यान देना है, ओके। तो अभी हमने पीछे तीनों के बारे में देखा कि हमारा कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, बी एच की पावर 3/12। अगर कोई हमारा ट्राइंगल सेक्शन है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं, बी एच की पावर 3/36। अगर कोई हमारा सर्कुलर सेक्शन है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं, पाई अपॉन 64 कैपिटल डी की पावर 4। या हम यहाँ पे बात कर सकते हैं अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को वाई वाई बार के अकॉर्डिंग डिस्कस करना होगा तो तब भी हमारा कितना आएगा, पाई अपॉन 64 डी की पावर 4 ही हमारा निकल कर आएगा, ठीक है, फॉर द सर्कुलर सेक्शन के लिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो रेक्टेंगुलर के लिए। अभी हमने देखा कि कोई हमारे रेक्टेंगुलर शेप है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई एक होलो रेक्टेंगुलर शेप है और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं वो यहां पे हम बात करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। तो यहां पे क्या होगा, एक हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है दैट इज द ए बी सी डी, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर से मैंने इसका सेक्शन दैट इज द ई एफ जी एस को काट के बाहर की तरफ फेंक दिया, तो यहाँ पे मुझको क्या मिलेगा, फ्रेम मिल जाएगा और इस फ्रेम का क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। इसका एक्स एक्सिस आपको दिख पा रहा होगा, जैसे द वाई एक्सिस आपको दिख पा रहा होगा। अगर मैं बात करूंगा कि हमारा जो आउटर रेक्टेंगुलर है डेट इज द ए बी सी डी, जिसका हमको विड्थ दिया है डेट इज द बी एंड डेट इज द डेप्थ हमको दिया है मतलब डी दिया हुआ है। अगर मैं बात करूंगा इनर रेक्टेंगुलर का जो हमारे यहाँ पे स्ट्रेंथ विड्थ दिया है डेट इज द बी वन एंड डेट इज द इनर रेक्टेंगुलर का जो हमको यहाँ पे डेप्थ दिया है डेट इज द डी वन, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हमारा कितना हो जाएगा, डेट इज द आई एक्स एक्स डेट विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, आउटर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर हम कह सकते हैं ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बी सी डी, तो हमारे कितना हो जाएगा, अभी हमने रेक्टेंगुलर का कितना बताया था, हमने बताया था बी एच की पावर 3/12, बी एच की पावर 3/12। तो हम क्या करेंगे, बड़े में से माइनस छोटे को माइनस कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है, ये हमको मिल जाएगा। तो माइनस के दूसरा हमारा इनर क्या कितना होगा, बी वन एच वन की पावर 3/12, बी वन एच वन की पावर 3/12, ठीक है। अब इन दिस केस आप यहाँ पे स्टैंड इसको एच भी मान सकते हैं, डी भी मान सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो यूज किया जाता है वो उसको यहाँ पे स्टैंड एच मान लिया, ठीक है, बी मान सकते हैं, एच मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, इसको डी के जगह हम इसको एच भी मान सकते हैं, इसको यहाँ पर एच भी मान सकते हैं, इसको लिख ले, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा ये, और हमको वाई वाई एक्सिस के अबाउट निकालना होगा तो आ जाएगा हमारा एच बी की पावर 3/12 माइनस एच वन बी वन की पावर 3/12। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके, इतना क्लियर है, ठीक है, इतना समझ में आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के साथ बात करेंगे आगे की तरफ, जिसमें देखेंगे अभी तो हमने देखा कि होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। साथ ही साथ बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सर्कुलर सेक्शन। अब मेरे पास क्या है, कोई एक सर्कुलर सेक्शन है, मैंने उसके अंदर एक और होलो कर दिया, मतलब एक तरीके से रिंग जो होती है वो एक तरीके से होलो सर्कुलर सेक्शन होती है, और होलो सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे कि हमारा जो आउटर सर्किल है उसका हमारा डायमीटर कैपिटल डी है और जो हमारा इनर सर्किल है उसका हमारा जो डायमीटर है वो हमारा स्मॉल डी है, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज द एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मैं बात करूंगा तो बड़े वाले हमारा जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको माइनस कर देंगे छोटे वाले में से, तो कितना होगा पाई अपॉन 64 कैपिटल डी की पावर 4 हो जाएगा माइनस के पाई अपॉन 64 स्मॉल डी की पावर 4 हो जाएगा। इस तरीके से एक्स एक्सिस के अबाउट हम क्या कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड आउट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर मुझको वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना होगा तो कितना हो जाएगा पाई अपॉन 64 कैपिटल डी की पावर 4 माइनस पाई अपॉन 64 स्मॉल डी की पावर 4, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टैंड हमारा वाई एक्सिस के रिगार्डिंग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बात करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, वो मैंने आपको स्टूडेंट बता रखा था कि जब हम किसी भी एक बॉडी के ऊपर कोई फोर्स को अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने से बॉडी में डिफॉर्मेशन होने को मिलता है। जब हम उस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स के अकॉर्डिंग उसमें डिफॉर्मेशन होता है, तो बॉडी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं एक अपोजिट फोर्स हमारे अप्लाई करते हैं, या फिर कह सकते हैं एक वहां पे स्ट्रेचिंग क्रिएट करते हैं, और वही रेजिस्टेंस या फिर कह सकते हैं जो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है वही हमारा क्या कहलाता है एक हमारा रेजिस्टिंग जो फोर्स होता है उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं, उसी को स्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो when some acting force applied on the body and body undergoes some deformation and set up some resistance to deformation and this resistance force is called as stress, या फिर इसको एक simple line में इसको define कर सकते हैं कि resisting force per unit area is called the stress. Stress may be defined as the resisting force per unit area. ठीक है, तो इसको इस तरीके से यहाँ पर define कर सकते हैं, और आप सब लोग जानते हैं stress को basically sigma से represent किया जाता है, और stress बराबर क्या होगा स्टूडेंट हमारा load upon area, क्या होगा स्टूडेंट हमारा load upon area हमारा होता है, और stress की जो unit होती है newton per mm का square भी हमारा होता है, या फिर इसको mega pascal में भी इसको denote कर सकते हैं, या फिर इसको giga pascal में भी denote कर सकते हैं, या फिर इसको newton per meter square में भी denote किया जाता है। इतना क्लियर हो गया मोमेंट हमारा स्ट्रेस क्या होता है, और मैंने आपको बताया था कि हमारे जो स्ट्रेस होती हैं ड्यू टू अप्लाइड ऑन द लॉड आर कॉल्ड द टू टाइप ऑफ द स्ट्रेसेस, फर्स्ट इज द टेंसाइल स्ट्रेसेस, सेकंड इज द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। व्हेन वी आर अप्लाइड ऑन द लॉड ऑफ द बॉडी, या फिर कह सकते हैं व्हेन वी अप्लाइड इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द बॉडी then it will be increase the length of the body, this type of the stresses created on the body is called the tensile stresses, या फिर हम कह सकते हैं कि जब किसी बॉडी के ऊपर हम कोई दो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में कोई दो फोर्सेस को लगाते हैं और फोर्सेस के अकॉर्डिंग उसके अंदर डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, या फिर कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉड वी कैन बी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द बॉडी एंड दिस टाइप ऑफ द स्ट्रेसेस इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेसेस, या फिर कह सकते हैं इन सिंपल लैंग्वेज में ड्यू टू द टेंसाइल लॉड दैट इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेसेस। ठीक है, टेंसाइल लोड के अकॉर्डिंग जो हमारे स्ट्रेसेस क्रिएट होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेसेस यहां पर बोला जा सकता है, या फिर कह सकते हैं स्टूडेंट अपना दूसरा हमारा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। कंप्रेसिव स्ट्रेसेस क्या होता है कि व्हेन वी आर अप्लाइड द इक्वल एंड सेम डायरेक्शन ऑफ द लोडेड ऑन द बॉडी देन बॉडी इज डिफॉर्म एंड इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द बॉडी एंड डिक्रीज द लेंथ ऑफ द बॉडी एंड ड्यू टू द डिफॉर्मेशन इट विल बी क्रिएट ए रेजिस्टेंस, दिस टाइप ऑफ द स्ट्रेसेस इज कॉल्ड अ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। Due to the compressive load on the body, that it will be create a stresses. This type of stresses is called the compressive stresses. Due to the compressive stresses, body की जो length होती है वो हमारी कम हो जाती है, लेकिन उसका diameter increase हो जाता है, और इस type के regarding जो हमारी stress create होती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? Compressive stresses हमारी कहलाती हैं, ठीक है? तो हमारे स्ट्रेसेस क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेसेस क्या होता है, इन सभी के बारे में आपको इजीली से पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से बात कर सकते हैं, तो मैंने नहीं लिखा है बट लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, बात करेंगे स्ट्रेन के बारे में। तो स्ट्रेन क्या होता है, जैसे कि हम मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर कोई भी लोड को अप्लाई किया जाता है तो उसके अंदर हमको डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, तो ड्यू टू द डिफॉर्मेशन टू अप्लाई द लोड पर यूनिट लेंथ, ठीक है, या फिर ओरिजिनल लेंथ, दिस रेशियो इज कॉल्ड द स्ट्रेन। ठीक है, डिफॉर्मेशन पर लेंथ इज कॉल्ड द स्ट्रेन। ठीक है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द स्ट्रेन, कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर कोई लोड अप्लाई करते हैं तो लोड अप्लाई होने से
उस बॉडी में डिफॉर्मेशन देखने को हमको मिलता है, और डिफॉर्मेशन के कारण हमारा क्या होता है, बॉडी की या तो लेंथ का इंक्रीमेंट होता है या फिर बॉडी का हमारा लेंथ का डिक्रीमेंट होता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ दैट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ द डिफॉर्मेशन वी हैव टू बी सीन ऑन द बॉडी, देन इट विल बी कॉल्ड इट दैट इज द अपना टेंसाइल स्ट्रेसेस बोल सकते हैं या फिर उसको कंप्रेसिव स्ट्रेसेस बोल सकते हैं। Due to the tensile stresses, then it will be increase the length of the body. Then it we can say that is the deformation of the body, that is the increasing of the length upon original length, that is called the strain. ठीक है, या फिर कह सकते हैं due to apply on the compressive load, then it will be created of the compressive stresses in the body. And due to this compressive stresses, the length of the body is decreased. The deformation या फिर कह सकते हैं decrease the length. To the original length, the ratio of is called the strain. ठीक है, तो strain को basically यहाँ पे define कर सकते हैं, that is the strain is equal to deformation of length upon original length. ठीक है, इन द केस अगर मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ पे मान लीजिए कोई हमारी इस तरीके से कोई बॉडी है और इस बॉडी का जो हमारे स्ट्रेंथ लेंथ है डेट इज द हमारे यहाँ पर कितना एल है। ठीक है, लेकिन ड्यू टू द अप्लाइड ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेसेस या टेंसाइल लोड हम जिसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका लेंथ का थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया, डेट इज द डिस्टेंस ऑफ डेल एल, कितना हो जाएगा हमारा डेल एल हो जाएगा। तो ड्यू टू द स्ट्रेन अगर मैं बात करूंगा स्ट्रेन को किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, तो स्ट्रेन को बेसिकली यहाँ पर स्ट्रेंथ सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पे क्या होगा स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग डिफॉर्मेशन कितना हुआ हमारा डेल एल हो गया, ओरिजिनल लेंथ हमारी कितनी है यहाँ पर एल है, तो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेन। बट स्ट्रेन का हमारा कोई भी यूनिट नहीं होता है क्योंकि लेंथ अपॉन लेंथ दैट इज नॉट यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रेन को डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रेन हमारा क्या होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे हुक्स लॉ के बारे में। हुक्स लॉ क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर कोई लोड अप्लाई करते हैं तो लोड अप्लाई करने से क्या होता है वहां पे स्ट्रेंथ स्ट्रेस क्रिएट होती है, एंड ड्यू टू द स्ट्रेस जैसे जैसे स्ट्रेस हमारी क्रिएट होती है वैसे वैसे हमारा बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, या फिर कह सकते हैं देयर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। हमारी जो स्ट्रेस होती है वो क्या होती है, प्रोपोर्शन होती है हमारी स्ट्रेन के। तो इट स्टेट दैट व्हेन मटेरियल इज लोडेड विद इन द इलास्टिक लिमिट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है या कर्व होता है जिसके अकॉर्डिंग हम वहां पे स्ट्रेंथ को भी माइल्ड स्टील या फिर ब्रिटल मटेरियल के लिए वहां पे स्ट्रेंथ क्या करते हैं उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को ड्रॉ करते हैं। जहां पे मैंने आपको बताया था ड्यू टू द अगर मैं बात करूंगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर द डक्टाइल मटेरियल के लिए, तो वहां पे हमारा एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को यहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें कि हमारी काफी ज्यादा लिमिटेशन हमारी होती है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अगर मैंने आपको बताया था इस तरीके से हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को हम यहाँ पे क्या करते हैं ड्रॉ किया जाता है इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट होते हैं डेट इज द ए, डेट इज द बी, डेट इज द सी, डेट इज द डी, डेट इज द ई, डेट इज द एफ। ठीक है, जहां पे हमारा ये हमारा क्या करता है स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है, हमारा स्ट्रेंथ स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या, जैसे कि अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर कोई लोड को अप्लाई करती है तो वहां पे आप लोग देख पा रहेंगे यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, साथ के साथ यहाँ पे उसमें डिफॉर्मेशन भी हमको देखने को मिल पा रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि व्हेन वी अप्लाई ऑन द लोड ऑन द बॉडी दैट इट विल बी इंक्रीज द स्ट्रेस एंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। जैसे जैसे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन दैट इज कॉल्ड द हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ हमको यही डिफाइन करता है, मतलब जो हमारा स्ट्रेस होता है वो बेसिकली प्रोपोर्शन होता है किसके स्ट्रेन हमारा स्ट्रेन के, किसके प्रोपोर्शन होता है हमारा स्ट्रेन के हमारा प्रोपोर्शन होता है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेस डेट विल बी इक्वल्स टू इस प्रोपोर्शन साइन को हटाते हैं तो हमारा कोई ना कोई एक कांस्टेंट आता है डेट इज द ई, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्ट्रेन वेयर ई इज द कांस्टेंट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेट इज वेयर ई इज द कांस्टेंट, कि हमारा जो ई होता है वो क्या है हमारा स्ट्रेन कांस्टेंट है, एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड ऑफ द यंग मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वेयर इट इज कॉल्ड, इसको हम लिख सकते हैं वेयर इट इज कॉल्ड मॉडुलस modulus of elasticity and या फिर और करके लिख सकते हैं young modulus।
तो जो यहाँ पे ई है ये हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर कह सकते हैं इसको यंग मॉडुलस के नाम से भी इसको जाना जाता है। बेसिकली हमारा जो यंग मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बेसिकली हमको रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो मटेरियल हम यूज कर पा रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके से है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या आता है हमारा ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज द स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो एक हमारा फॉर्मूला आता है जो आगे की तरफ हम यूज करेंगे तो काफी ज्यादा हमारा यूज होने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में, तो आगे भी आपका इलास्टिसिटी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, जो यहाँ पे ए से और बी के बीच में हमारा क्या होता है इलास्टिक रीजन हमारा स्टार्ट हो जाता है, ए से बी के बीच में क्या होता है इलास्टिक रीजन हमारा स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे अपनी बॉडी के ऊपर लोड को बढ़ाते चले जाते हैं तो हमारा क्या होता है वहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू भी हमारी इंक्रीज करती चली जाती है। इन द केस अगर मैं बात करूंगा हमारा कोई पास रबर बैंड है और उस रबर बैंड को मैं ज्यादा खींचता चला जाऊंगा तो वहाँ पे क्या होगा उसकी लेंथ इंक्रीमेंट हो जाएगी, और अगर मैं उसको ज्यादा खींच दूं तो वहां पे रबर बैंड मेरा क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक प्लास्टिक रीजन में आ जाता है, वहां पे वो ब्रेक कर जाता है, ठीक है। इन द केस अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे स्टूडेंट कोई हमारे पास स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग को मैं खींचता हूं और खींचने के बाद जब मैंने उसको छोड़ा तो वो एक तरीके से अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग जब उसके अंदर एक हमारा लेंथ का इंक्रीमेंट हुआ तो वो एक तरीके से उसके अंदर हमारी प्रॉपर्टी आ गई थी इलास्टिसिटी की थी, ठीक है। तो इलास्टिसिटी हमारे इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ गई थी। इलास्टिसिटी क्या होता है हमारा स्टूडेंट, एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की कि जब हम किसी मेटल के ऊपर कोई भी लोड को अप्लाई करते हैं, लोड को अप्लाई करने से वहां पे स्टूडेंट उसका जो साइज होता है, जो उसका जो पोजीशन होता है, फिर उसकी जो शेप होती है वो हमारी चेंज हो जाती है। लेकिन जब हम उस बॉडी के ऊपर से उस लोड को रिमूव करते हैं तो बॉडी अपने इनिशियल कंडीशन में आ जाती है। इस टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम इलास्टिसिटी बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है इलास्टिक लिमिट होता है, एक लिमिट होती है, एक ओवर एक कह सकते हैं कि कोई भी चीज की एक लिमिट होती है, अगर वो लिमिट को क्रॉस कर देता है तो वहां पे उसको काफी ज्यादा खामियां देखने को मिल पाती है। तो यहाँ पे हमारा जो बी होता है वो हमारे इलास्टिक लिमिट है, यदि कोई मेटल हमारा इसके ऊपर की तरफ कूद जाता है तो वो एक तरीके से फिर प्लास्टिक रीजन में आ जाता है। अगर मैं बात करेंगे हमारा जो स्प्रिंग होता है, अगर मैं उस स्प्रिंग को ज्यादा खींच दूं तो वहां पे क्या होगा उसकी लेंथ का इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन वो फिर अपनी इनिशियल कंडीशन में नहीं आ पाएगा, और इस वाली कंडीशन को कहते हैं प्लास्टिक रीजन, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है प्लास्टिक रीजन हमको देखने को मिल पाता है कि बॉडी हमारी इनिशियल कंडीशन में नहीं आ पाती है, ठीक है। तो वही इलास्टिसिटी क्या होता है या फिर इलास्टिक लिमिट क्या होता है, बेसिकली आप सब लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा होगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग, ठीक है। मटेरियल साइंस में भी मैंने आपको इसके बारे में आपको पढ़ाया था, ओके। तो स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है या हुक्स लॉ क्या होता है इसके बारे में इसको डिस्कस करना है, साथ ही साथ हम बात करेंगे आगे की तरफ डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यदि हम किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग उसके बॉडी में क्या हमारे को डिफॉर्मेशन देखने को मिल पा रहा है तो उस डिफॉर्मेशन को किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है वो यहाँ पर देखने को देखेंगे, ठीक है। तो इन कंपेरिजन अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे स्ट्रेन कि मान लीजिए कोई इस तरीके से हमारी बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी के ऊपर अगर मैं कोई भी लोड अप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज द टेंसाइल लोड, अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो दैट इज द पी हमारा लोड हो जाएगा और इसका यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दैट इज द एल हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग जो लोड लग रहा है टेंसाइल लोड उसके अकॉर्डिंग इसका जो यहाँ पे हमको चेंजिंग लेंथ देखने को मिला है दैट इज द डी लेंथ, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा इसका एरिया हमारा कितना है, दैट इज द ए है, एरिया कितना है हमारा ए है, और इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो वी नो दैट हम जानते हैं स्ट्रेस हमारे क्या होता है, स्ट्रेस अभी हमने डिस्कस किया था, दैट इज द स्ट्रेस हमारा क्या होता है लोड अपॉन एरिया, क्या होता है इसमें हमारा लोड अपॉन एरिया हमारा होता है, जिसमें हम बात कर सकते हैं सिग्मा बराबर के लोड पी अपॉन ए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं ई बराबर हमारा, अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हमको देखने को मिल पाता है, तो ई बराबर हम बात कर सकते हैं दैट इज द सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन लोड, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं यहाँ पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर, आप सब लोग जानते हैं कि स्ट्रेन बराबर क्या होता है, स्ट्रेन बराबर हमारा होता है डेट इज द, या फिर कह सकते हैं डेल एल अपॉन एल, या फिर कह सकते हैं सिग्मा बराबर के कितना हो जाएगा डेल एल अपॉन एल हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेन बराबर कितना होता है डेल एल अपॉन एल होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस इस वाले सेकंड वाले क्वेश्चन में ई, मतलब जो हमारा ई या फिर कह सकते हैं इसको मैं इधर की तरफ लेकर जा रहा हूँ,
तो मैं इधर की तरफ लेकर जा रहा हूँ, और ये हमारा जो सिग्मा अपॉन ई हमारा इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं ये वाली वैल्यू रखता हूँ, दैट इज द डेल एल अपॉन एल, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा पी अपॉन ए ई, पी अपॉन ए ई, क्योंकि सिग्मा बराबर कितना था, पी अपॉन ए ई, और यहाँ से हमको देखने को मिलेगा दैट इज द डेल एल इक्वल्स टू पी एल अपॉन ए ई। और इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी में हमारा जो डिफॉर्मेशन होता है उसको यहाँ पे फाइंड आउट किया जा सकता है ड्यू टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने आपको न्यूमेरिकल भी कराए हैं, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। Here P is the applied load, L is the original length, A is the area of the section and E is the elastic limit. या फिर कह सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको यहाँ पर बोला जाता है। बेसिकली हमारे जो E की जो वैल्यू होती है उनको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई होती है, और यहाँ पे हमको देखना पड़ता है कि हमारी बॉडी में कितना डिफॉर्मेशन हुआ है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए ये हमारा फॉर्मूला होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड आउट मतलब इसको यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स शियर स्ट्रेस के बारे में, कि शियर स्ट्रेस हमारा क्या होता है और उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। अभी हमने डिस्कस किया स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, लेकिन शियर स्ट्रेस क्या होता है। शियर स्ट्रेस क्या होता है कि जब किसी बॉडी को, या फिर कह सकते हैं कि जब हमारी कोई दो बॉडी आपस में कॉन्टेक्ट में रहती है और उन दोनों बॉडी को अपोजिट और इक्वल फोर्सेस को खींचा जाता है, तो वहां पे क्या होता है, उनके सरफेस कॉन्टेक्ट के बीच में एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। उसी रेजिस्टेंस को क्या बोला जाता है, शियर स्ट्रेस बोला जाता है। बेसिकली वहां पे एक टेंजेंशियल फोर्स क्रिएट होता है और उसी टेंजेंशियल फोर्स के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, और उसी रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर शियर स्ट्रेस के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। इसमें बात कर सकते हैं कि व्हेन ए सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टिंग सेक्शन, द स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड इज कॉल्ड अ शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस के रिगार्डिंग इसमें यहाँ पे बात कर सकते हैं कि शियर स्ट्रेस हमारा क्या होता है। साथ ही साथ बात करेंगे नेक्स्ट के बारे में कि स्ट्रेस ऑन ए ऑब्लिक सेक्शन ऑफ ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए डायरेक्ट स्ट्रेस ऑन ए प्लेन। यहाँ पे हमारा कोई एक बॉडी दिखाया गया है और यहाँ पे हमारी ऑब्लिक बॉडी है, और उस ऑब्लिक बॉडी के अकॉर्डिंग हमको क्या कह रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस हमको देखने को मिल पाती है। कि इसमें हम देख पाएंगे नॉर्मल स्ट्रेस हमारी क्या होगी, शियर स्ट्रेस हमको यहाँ पर कितना देखने को मिल पाएगा, ठीक है। तो ये भी डेरिवेशन मैंने आपको स्टूडेंट क्लासेस में करा रखा है, लेकिन हम बात करेंगे किस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, दैट इज द स्ट्रेस ऑन ए ऑब्लिक सेक्शन ऑफ ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए डायरेक्ट स्ट्रेस इन वन प्लेन। केवल यहाँ पे हमको सिंगल प्लेन दे रखा है, दैट इज द सिग्मा एक्स, इसको मैं मान सकता हूँ। सिग्मा एक्स मान लो, सिग्मा वाई मान लो, कोई भी एक हमारा क्या है यहाँ पर एक स्टूडेंट हमारा सिंगल प्लेन है, और इस सिंगल प्लेन के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सिंगल प्लेन के ही अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सिंगल प्लेन है तो इसको एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, आपकी मर्जी है। तो सिंगल प्लेन को हम इसको नॉर्मली इसी तरीके से रहने देते हैं, ठीक है। तो यहां पे बात करेंगे तो मैंने क्या करा है, यहां पे कोई इंक्लाइंड जिसका ऑब्लिक यहां पे उसको बन पा रहा है, तो ए बी सी डेट इज द एंगल ऑफ द थीटा, मैंने इस वाले ट्राइंगल को मैंने बाहर की तरफ निकाल लिया है और इसको इस तरीके से यहाँ पर हमको शो हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हमको क्या कर रहा है, शो कर रहा है, और इसके अकॉर्डिंग हम देख पाएंगे यहाँ पे नॉर्मल फोर्सेस के अकॉर्डिंग जैसे हम बात करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल फोर्सेज हमारी आती है उसके अकॉर्डिंग इसको फॉर्मूला आएगा नॉर्मल फोर्सेज के अकॉर्डिंग, दैट इज द सिग्मा सॉरी स्ट्रेस साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेसेस का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमको यहाँ पे शियर स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करना होगा, सिग्मा टी, ठीक है, या टो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, सिग्मा टो इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारा आता है यहाँ पे स्टूडेंट, सिग्मा अपॉन टू साइन टू थीटा, साइन टू थीटा हमारे यहाँ पर आता है, और जिसको हमारे कह सकते हैं ये हमारा शियर स्ट्रेस। यहाँ पे हमारा डेवलप क्या होगा, शियर स्ट्रेस हमारा डेवलप होगा, ठीक है। इसको किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है, ये हमने अपने क्लास में आपको डिस्कस करके बता रखा है, तो ये हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। देखो नॉर्मल फोर्स बेसिकली आप सब लोग जानते हैं क्या होगा, नॉर्मल फोर्स हमारा क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस इंटू एरिया होगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस अगर मैं बात करूंगा, डेट इज द सिग्मा इंटू एरिया हमारा कितना होगा, डेट इज द ए बी, हम इसको एक प्लेन पे बात करेंगे तो ए बी हमारे यहाँ पर प्लेन होगा, ठीक है। इसी के साथ बात करेंगे टेंजेंशियल फोर्स के अकॉर्डिंग, तो टेंजेंशियल फोर्स बेसिकली हमारा किसमें, शियर स्ट्रेस में क्रिएट होता है। तो टेंजेंशियल फोर्स दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा स्टूडेंट, हमारा शियर स्ट्रेस इंटू ए बी, मतलब ए बी वाले पर हमारा क्या लग रहा है, शियर फोर्स हमारा यहाँ पर शियर स्ट्रेस हमारा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। दोनों ही इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में करेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना नॉर्मल स्ट्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से इसको देखना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्टूडेंट आपको डिस्कस करके बता सकता हूँ किस तरीके से इसको कर सकते हैं।
यहाँ पे बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ठीक है, देखेंगे देखेंगे यहाँ पे नॉर्मल, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल फोर्स के बारे में बात करूँगा तो नॉर्मल फोर्स हमारा कितना होगा, डेट इज द नॉर्मल फोर्स हमारे कितना होगा, पी मान लेते हैं नॉर्मल फोर्स, डेट इज द इक्वल हमारा हो जाएगा यहाँ पर, नॉर्मल फोर्स को यहाँ पे मान लेते हैं डेट विल बी इक्वल्स टू पी मान लेते हैं, पी मान लो पी बार बराबर हो जाएगा सिग्मा एन सॉरी सिग्मा इंटू ए बी, ठीक है नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल स्ट्रेस डेट इज द सिग्मा एन, नॉर्मल स्ट्रेस हमारा कितना हो जाएगा सिग्मा एन इंटू ए बी, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी के साथ बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट शियर स्ट्रेस के बारे में, तो शियर फोर्स हमारे कितना होगा, शियर फोर्स में मान लेता हूँ डेट इज द यहाँ पे पी, ये पी वन था मैंने पी टू मान ली, ठीक है तो हमारा शियर फोर्स हो जाएगा हमारा सिग्मा टो इंटू ए बी, क्योंकि इसी वाले प्लेन पे हमारा लगा हुआ है। ओके इसको इक्वेशन मैंने मान लिया यहाँ पर सेकंड, नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन, नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सिग्मा एन इंटू ए बी दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा टी इंटू के ए बी, ठीक है सिग्मा टी इंटू के ए बी हमारे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नो थोड़ा मतलब यहाँ पे देखेंगे इसको, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हमारा जो स्ट्रेस है हमारा ये वाला, ठीक है के अकॉर्डिंग हमारा जो फोर्सेस यहाँ पे हमको लगने वाला है तो फोर्सेस होगा वो थोड़ा इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे होगा, ये अगर मैं इसकी बात करूँगा इस तरीके से हमारा नॉर्मल स्ट्रेसेस होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे एक हमारा फोर्सेस हमारा होगा और शियर स्ट्रेस के अकॉर्डिंग हमारा इस तरीके से हमारा फोर्सेस होगा, ठीक है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको देखने को मिल पाता है इसके दो हमारे कॉम्पोनेंट हो गए, थीटा एंगल तो हमारा कितना होगा थीटा एंगल होगा, ये सिग्मा है तो हमारा सिग्मा कॉस थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा सिग्मा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन बात करेंगे, तो फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन दैट इज द इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा दैट इज द सिग्मा एन इंटू ए बी दैट विल बी इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पर बात करेंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा सिग्मा साइन थीटा, मतलब इसके अपोजिट फोर्स कितना सिग्मा साइन थीटा इंटू कौन से फेस पे ए बी पर, तो हो जाएगा सिग्मा साइन थीटा इंटू के ए बी, इंटू के ए बी हमको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है सॉरी किस फेस पे लग रहा है, ये वाला तो हमारा ए बी पे लग रहा है, ठीक है देखो यहाँ पे हमारा जो सिग्मा एन है वो ए बी वाले फेस पे लग रहा है, लेकिन इसके अपोजिट जो फोर्स हमारा सिग्मा सिग्मा साइन थीटा वो हमारा ए सी पे लग रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा ए सी हमारा हो जाएगा, तो साइन थीटा ए सी, साइन थीटा ए सी, ठीक है। अब बस आपको यहाँ पे क्या करना है सिग्मा एन की वैल्यू को यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, तो सिग्मा एन बराबर हमारा कितना हो जाएगा सिग्मा एन इक्वल्स टू सिग्मा साइन थीटा इंटू के ए सी अपॉन ए बी। अब बात करेंगे ए सी अपॉन ए बी के बारे में, तो ए सी एंड ए बी, तो ए सी अपॉन ए बी हमारा क्या होगा, अगर हम बात करेंगे ए सी अपॉन ए बी के बारे में तो हमारा क्या होगा एल अपॉन के डेट इज द साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या दैट इज द सिग्मा एन इक्वल्स टू सिग्मा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए सी अपॉन ए बी बराबर कितना है हमारा साइन थीटा, ए सी अपॉन ए बी बराबर कितना है हमारा साइन थीटा है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हमारे क्रिएट होंगे वो हमारे इस तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, हम इस वाले स्ट्रेस इसके जो हमारे यहाँ पे शियर स्ट्रेस है शियर स्ट्रेस को इक्विलिब्रेट करेंगे फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या होगा जो टो इंटू ए बी, ठीक है जो हमारा टो है स्ट्रेसेस टो स्ट्रेसेस इंटू ए बी डेट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा कॉस थीटा, सिग्मा कॉस थीटा यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा और किस फेस पे लग रहा है वो हमारा ए सी फेस पे लग रहा है, ठीक है तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन शियर स्ट्रेस, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन तो यहां पे कितना हो जाएगा सिग्मा टो कौन से फेस पे हमारा ए बी दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा कॉस थीटा इंटू ए सी वाले फेस पे, ठीक है ए सी वाले फेस पे है तो सिग्मा टो इंटू ए बी
दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा कॉस थीटा ए सी अपॉन ए बी, मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा टो बराबर के सिग्मा कॉस थीटा ए सी अपॉन ए बी। अभी मैंने देखा था ए सी अपॉन ए बी कितना होता है, साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा सिग्मा टो इक्वल टू सिग्मा कॉस थीटा इंटू के साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू के साइन थीटा, या फिर हम इसमें लिख सकते हैं क्या सिग्मा अपॉन टू इंटू के टू साइन थीटा इंटू के कॉस थीटा। यहाँ पे भी हमारा आंसर हो जाएगा, अगर मैं इसमें दो से मैंने मल्टीप्लाई किया है, दो से डिवाइड किया है, तो सिग्मा अपॉन टू आ जाएगा साइन टू थीटा, साइन टू थीटा यहाँ पे स्टूडेंट हमारा मिल जाएगा। तो दिस इज द नॉर्मल शेयर स्ट्रेस, मतलब यहाँ पे शेयर स्ट्रेस और हमारा नॉर्मल स्ट्रेस इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इतना क्लियर है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर डिस्कस किया जा सकता है, और जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पाते हैं इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे नेक्स्ट के बारे में कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्लेन के बारे में बात करेंगे। देखो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमारे क्या होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले क्या होता है, अभी हमने देखा कि हमारी कोई एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर अगर मुझको टेंसाइल लोड लगाना है तो बेसिकली एक्स डायरेक्शन में लगा सकते हैं, या उसके ऊपर कोई कंप्रेसिव लोड लगाना है तो वाई डायरेक्शन में उसको लगा सकते हैं, फिर जिस भी डायरेक्शन में उसको लगाना होता है तो उसको सॉल्व करना बहुत ईजिली हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसी भी सेक्शन के ऊपर हमको डिफरेंट डिफरेंट साइड से हमको वहां पे स्ट्रेस देखने को मिल पा रही है, जैसे कि एक हमारा कोई प्लेन है और इस प्लेन पर हमको देखने को मिल पा रहा है इस डायरेक्शन में हमारा सिग्मा एक्स लग रहा है, इधर भी अपोजिट हमारा सिग्मा एक्स लग रहा है, इधर सिग्मा वाई, इसमें सिग्मा वाई है, तो एक ही प्लेन पर हमको चार चार स्ट्रेसेस देखने को मिल पा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से इसको फाइंड आउट करना होगा, या फिर कह सकते हैं इस बॉडी के ऊपर एक हमारा सेक्शन है एबीसीडी और वहां पे चारों साइड से हमको क्या देखने को मिल पा रहा है, हमको शियर स्ट्रेसेस देखने को मिल पा रहा है, तो उसको एक ही बॉडी पर हमको यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक ही बॉडी पर हमको अपना स्ट्रेसेस भी और अपना स्ट्रेंथ यहाँ पे स्ट्रेंथ शियर स्ट्रेसेस भी फाइंड आउट करना होगा, तो उसके लिए हमारा एक न्यूमेरिकल फॉर्मूले होते हैं जिसको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बोला जाता है। तो प्रिंसिपल का मतलब क्या है, इनका एक सरदार होना, इनका एक सरदार होना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हमको फाइंड आउट करना होता है, तो बात करेंगे आप स्टूडेंट मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज द सिग्मा मैक्सिमम इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई अपॉन टू प्लस के अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई अपॉन टू का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के, ये हो जाएगा टो एक्स वाई का स्क्वायर, कितना हो जाएगा स्टैंड हमारे टो एक्स वाई का स्क्वायर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, डेट इज द पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये प्लस का साइन, इतना क्लियर है। तो हम इसको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं सिग्मा मैक्सिमम को। अगर हमको बात करना होगा मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दैट इज द सिग्मा मिनिमम इक्वल्स टू दैट इज द सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई अपॉन टू, बस आपको यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है, क्या लगाना है माइनस का साइन लगाना है, ये हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस के टो एक्स वाई का स्क्वायर। इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप स्टूडेंट सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मिनिमम की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे स्टूडेंट इसको पुटअप कर सकते हैं, और किसी भी प्लेन पर हमको अगर डिफरेंट सेक्शन में हमको यहाँ पर स्टूडेंट फोर्सेस लगे हुए होते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से बात कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारा कोई प्लेन होता है थ्री डी प्लेन होता है, वहाँ पे हमको यहाँ पे सिग्मा जेड की वैल्यू हमको दी होती, यहाँ पे जैसे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है, अगर वहाँ पे हमको जेड दिया होता तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अपने सिग्मा वाई की वैल्यू को जीरो करके वहाँ पे उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट किसके बारे में, मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस के बारे में, कि शेयरिंग स्ट्रेस किस तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस बेसिकली टो मैक्सिमम इसको फाइंड आउट किया जा सकता है, टो मैक्सिमम बराबर हमारा होता है अंडर रूट, बस अंदर का जो पार्ट्स होगा वही हमारे यहाँ पर होगा, दैट इज द सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई अपॉन टू का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा टो एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपना मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस को फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमारे होते हैं। इसी के साथ बात करेंगे आगे की तरफ, मोहर सर्किल फोर स्ट्रेसेस ऑन ए ऑब्लिक सेक्शन ऑफ ए बॉडी सब्जेक्टेड टू ए डायरेक्ट स्ट्रेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर सेक्शन, यहाँ पे दो सेक्शन आपको देख पा रहे हैं इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो इस सेक्शन में हमको क्या करना है,
दो प्लेन हमको दिए हुए, दैट इज द एक्स एंड दैट इज द वाई, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको देखना है नॉर्मल स्ट्रेसेस किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, अपना यहाँ पे शियर स्ट्रेसेस किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द मोहर सर्किल के रिगार्डिंग। मोहर सर्किल क्या होता है, जैसे अपने पीछे मैंने फॉर्मुला देखा था सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू को हम नॉर्म फॉर्मुले के अकॉर्डिंग उसको फाइंड आउट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, एक हमारा मोहर सर्किल होता है जिसको हम केवल मेजरिंग के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू सिग्मा एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, सिग्मा वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, शियर स्ट्रेस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय मेजरिंग ऑफ द डिस्टेंस। तो दिस इज टाइप ऑफ द सर्किल, दिस टाइप ऑफ द मैथड इज कॉल्ड द सर्किल, मोहर सर्किल मैथड के रिगार्डिंग उसको यहाँ पर डिस्कस किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना मोहर सर्कल को यहां पे बनाएंगे, ठीक है। मोहर सर्कल किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो यहां पर देखने वाले हैं। चलो मैं आगे पेज पे कर देते हैं। तो मोहर सर्कल को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको स्टूडेंट एक लेंथ खींचनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने यहां पे एक लेंथ खींच दी, दैट इज द लेंथ, ठीक है। सर्कल को समझना किस तरीके से बनाना है, और ये कांस्टेंट ही होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यहां पे मैंने क्या करा, ओ मेरे कोई पॉइंट था, ओ से मैंने एक यहां पे डिस्टेंस खींचा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इस ओ मतलब इस वाली रेखा को मैंने इसके दो टुकड़े कर दिए, एक यहाँ इसका मिड पॉइंट हमारा ये हो गया, ठीक है। इस मिड पॉइंट हमारा होगा, एक पॉइंट हमारा यहाँ पर ये वाला हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमको डिस्टेंस माननी है, जिसको मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, यहाँ पे इसको के मान लिया, और इसको यहाँ पे मैंने क्या मान लिया स्टूडेंट, जे मान लिया, के जे, इतना क्लियर है, के जे मैंने यहाँ पे इसको मान लिया है। अब क्या करना है, के और जे का हाफ करना है, और हाफ करके केवल आपको क्या करना है, एक सर्किल को ड्रॉ करना है। क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे इसका सेंटर मानकर इसको एक सर्किल यहाँ पर ड्रॉ करनी है। क्या करना है, सर्किल को ड्रॉ करना है, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या करा, सर्कल को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, दैट इज द पॉइंट के, और इसका मिड पॉइंट हमारे यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज द, इसको मैं यहाँ पे सी मान लेता हूँ, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। अब आपको क्या करना है, बस केवल एक इंक्लाइन लाइन यहाँ से खींचनी है, ठीक है, एक इंक्लाइन लाइन खींचनी है, और इसको यहाँ पे नीचे की तरफ इस तरीके से मिलाना है, ओके। तो थोड़ा सा इसको मैं तिरछा कर देता हूँ इस, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होगा, डेट इज द पी एंड क्यू, ये हमारा क्या होगा, पी एंड क्यू होगा, इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। दिस इज द एंगल ऑफ द टू थीटा, यहाँ पे जो एंगल बनने वाला है वो टू थीटा आपको मिलने वाला है, और ओ से पी को आप इसको यहाँ पे मिला दो इस तरीके, ओ से पी को आपने क्या करा, इस तरीके से यहाँ पे मिला दिया, बस आपको कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे सिग्मा एक्स की जो वैल्यू होती है वो सिग्मा एक्स, या पहले हमारा सिग्मा वाई होता है, जो हमको रिप्रेजेंट करता है क्यू एक्स, मतलब क्यू तक, ओ से क्यू की जो डिस्टेंस होती है वो हमारे सिग्मा वाई को रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ पे हमारा सिग्मा एक्स की वैल्यू रिप्रेजेंट करती है किसके यहां तक, जे तक, ठीक है। तो ओ से जो जे होती है हमारी सिग्मा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और हमारा जो ओ से क्यू होता है हमारा सिग्मा वाई की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है, और पी और क्यू की जो वैल्यू में बात करूंगा इसको हम यहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, कोई एक लाइन खींच लेंगे, उस लाइन का हाफ कर देंगे। भाई मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे 10 का मैंने एक लाइन खींचा, उसका हाफ कर दिया मैंने 5, और 5 का हाफ करके मैंने एक सर्किल बनाया, दैट इज द 2.5 का, कितना बना दिया 2.5 का। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल हमारी 10 हो जाएगी, ठीक है, और सिग्मा वाई की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, तो इसके यहाँ से यहाँ तक मैं बात करूंगा, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 2.5, और ये भी हमारा कितना होगा स्टूडेंट, एक तरीके से आधा ही हमारा होगा, तो हमारा हो जाएगा 2.5, और उसका आधा जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको मिल जाएगी, और सिग्मा वाई की वैल्यू को आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो केवल यहाँ पे हमको एक तरीके से डेरिवेशन को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, मैंने यहाँ पे मोहर सर्किल को यहाँ पे मैंने बना दिया, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इसको किस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट सॉल्व करना होगा देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द मोहर सर्किल ऑफ द स्ट्रेसेस वी फाइंड आउट, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं क्या, दैट इज द, अगर मैं बात करूंगा के सी वो इक्वल होगा सी जी के, भाई ऑलरेडी आप सब लोग जानते हैं दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द रेडियस, तो के सी डेट विल बी इक्वल टू द सी जी, एंड ऑल्सो सी पी इक्वल टू होगा, क्योंकि भी एक तरीके से हमारी क्या रेडियस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं डेट इज द के सी, नाउ के सी जो है वो इक्वल है किसके हमारे स्टूडेंट, सी जी के, और सी जे जो है वो इक्वल है हमारे किसके, पी सी के, ठीक है, किसके इक्वल है, पी सी के इक्वल है हमारे यहाँ पर।
और यहाँ पे बात कर सकते हैं, अगर हम इसको वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, केसी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी होगी या फिर कह सकते हैं सीजे की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी होगी, तो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीजे की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे टोटल लेंथ कितनी है, सिग्मा एक्स, ठीक है सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स में से हम क्या करेंगे ओसी को माइनस कर देंगे, सिग्मा एक्स में से हम क्या करेंगे ओ क्यू को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे केसी दैट विल बी इक्वल टू सीजे एंड दैट विल बी इक्वल टू पीसे, तो KC that will equals to CJ that will equals to PC, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा that is sigma x, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट sigma x minus के sigma y upon 2, तो KC बराबर अगर उसको ये वाली वैल्यू को फाइंड आउट करना है, देखो ये वाली वैल्यू मुझको फाइंड आउट करनी है KC बराबर, तो KC बराबर हमारी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, सॉरी एक पॉइंट यहाँ पे इसको ठीक कर लेना, ये वाली जो वैल्यू आपकी ये सिग्मा एक्स की जो वैल्यू वो यहाँ तक है, ए तक है, वहीं चला गया वो, यहाँ तक है केवल, यहाँ सिग्मा एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ पर यहाँ तक है, ठीक है वो गलती से हो गया, देखो सिग्मा वाई की वैल्यू आपकी के तक है और यहाँ से ओ से जे तक की वैल्यू आपकी सिग्मा एक्स है, इतने आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं केसी की वैल्यू को फाइंड आउट करूँ तो केसी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पूरी में से मतलब ये OJ में से मैं इस वाली इसको माइनस कर दूंगा तो हमारा क्या जाएगा सिग्मा वाई आ जाएगा, और KC की वैल्यू डेटेड बेसिकली हमारी क्या होगी ट्वाइस होगी, मतलब रेडियस यहाँ का रेडियस और यहाँ का रेडियस ट्वाइस होगा, तो इसलिए हमारा टू हमारे यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे यहाँ पे स्टैंड दैट इज द OC, ठीक है। अगर मैं OC की बात करूंगा यहाँ पे OC, तो OC दैट विल बी इक्वल्स ऑफ द OK प्लस KC, क्या होगा OK प्लस KC हमारा हो जाएगा, OK की वैल्यू कितनी है आपकी स्टूडेंट सिग्मा वाई है, और KC की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया दैट इज द सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई अपॉन के 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको नीचे मैं एलसीएम लूंगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 सिग्मा वाई प्लस के सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई अपॉन के 2, तो दैट इज द OC की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई अपॉन 2, ठीक है। इसी के साथ हम बात करेंगे अपने नॉर्मल स्ट्रेसेस के बारे में, किसके बारे में नॉर्मल स्ट्रेसेस के बारे में, तो नॉर्मल स्ट्रेस हमारी यहाँ पर कितनी हो जाएगी नॉर्मल स्ट्रेस, तो नॉर्मल स्ट्रेस बेसिकली आपको बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, नॉर्मल स्ट्रेस हमारा के क्यू हमको डिफरेंस करता है, क्यू जो के है क्यू के जो है वो नॉर्मल स्ट्रेस जो हमारा होगा वो हमारा कितना होगा ओ क्यू तक, सॉरी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी नॉर्मल स्ट्रेस होगी दैट इज द सिग्मा एन इक्वल्स टू ओ क्यू, तो ओ क्यू की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी होगी, OQ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे स्टूडेंट OQ को फाइंड आउट करने के लिए ये कितना हो जाएगा OC माइनस के CQ, मतलब OQ की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगा OC में से मतलब OC में से हम क्या करेंगे QC को माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे QC को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो OC माइनस के CQ ये हो जाएगा हमारा OC माइनस के CQ, OC की वैल्यू हमारी कितनी आई थी दैट इज द सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई अपॉन टू माइनस के सी और क्यू की वैल्यू पर हमें जब फाइंड आउट करनी होती है तो सी और क्यू की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, इसको मैं ट्राइंगल मान लेता हूँ इस तरीके से, ये हमारा क्या है ट्राइंगल दैट इज द टू थीटा और यहाँ पे हमारा क्या है पी सी क्यू, ठीक है पी सी क्यू, तो यहाँ पे क्या करेंगे आपको सी क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, दिस इज द सी क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो सी क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे दैट इज द यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट इज द बेस, तो बेस था तो cos थीटा हमारा जाएगा, तो cos थीटा बराबर कितना होता है स्टूडेंट हमारा QC अपॉन ये हो जाएगा हमारा PQ, QC अपॉन PQ, तो QC बराबर कितना हो जाएगा PQ cos थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारा सॉरी ये होता है PC, ये हमारा कर्ण होगा ना ये वाला होगा, ठीक है ये हमारा होता है cos थीटा बराबर कितना होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हमारा कितना हो जाएगा डेट इज द क्यू सी और हमारा कर्ण हो जाएगा पी सी, ये हो जाएगा पी सी, तो पी सी इक्वल टू कॉस टू थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पी सी कॉस कॉस टू थीटा, ठीक है क्योंकि हमारा एंगल कितना है ये टू थीटा है। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे आगे की तरफ इसको किस तरीके से और यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, तो डेट इज द वैल्यू ऑफ द सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई अपॉन के टू माइनस के पी सी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, अगर मैं बात करूंगा PC की वैल्यू हमारी थी डेट इज द सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई अपॉन टू और कॉस टू थीटा, इस तरीके से नॉर्मल स्ट्रेसेस हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं डेट इज द सिग्मा एन, तो हम
इसको इस तरीके से फाइंड आउट किया कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बात करेंगे शियर स्ट्रेस के बारे में। तो शियर स्ट्रेस बेसिकली माना क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया पी क्यू माना क्या होता है, शियर स्ट्रेस होता है। तो पी क्यू बराबर हमारा क्या होगा, शियर स्ट्रेस होगा। और पी क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे तो पी क्यू की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी होगी तो हमारा कितना हो जाएगा, डेट इज साइन थीटा मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे स्टूडेंट साइन थीटा हो जाएगा हमारा साइन थीटा मतलब साइन टू थीटा डेट विल बी इक्वल्स टू हमारे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, डेट इज द बेस एल डेट इज द पी क्यू अपॉन के पी सी, पी क्यू अपॉन के पी सी। तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, पी सी साइन टू थीटा, तो पी सी साइन टू थीटा। ठीक है, पी सी की वैल्यू आपने जाना होगा, पी सी की वैल्यू कितनी आई है, पी सी की वैल्यू हमको दे रखी है सिग्मा एक्स माइनस का सिग्मा वाई अपॉन टू। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर पी क्यू बराबर के सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई अपॉन के टू साइन टू थीटा, साइन टू थीटा। तो इस तरीके से पी क्यू की वैल्यू को आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या एक डेरिवेशन है बेसिकली मोहर सर्किल की रिगार्डिंग, आपको इसको स्टूडेंट डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ बात करेंगे आगे की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ फेलियर के बारे में। देखो थ्योरीज ऑफ फेलियर क्या होती है, डिफरेंट टाइप की, पांच टाइप की थ्योरीज ऑफ फेलियर होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कोई भी हमारा मटेरियल मार्केट में अगर बनता है तो उसका एक हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस हम उसको फाइंड आउट होती है कि ये जो मटेरियल है सबसे ज्यादा स्ट्रेस इतना यहाँ पे एब्जॉर्ब कर सकता है, उससे ज्यादा अगर यहाँ पे इसके ऊपर लोड को डालेंगे तो मेटल हमारा क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। तो फेलियर के अकॉर्डिंग हमारी जो थ्योरीज ऑफ फेलियर होती हैं ड्यू टू द मटेरियल वो हमारी फाइव टाइप की होती हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को डिफाइन कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फेलियर विल अकर व्हेन द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इज रीच द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑफ द इलास्टिक लिमिट, दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। मतलब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी जो प्रिंसिपल स्ट्रेस की जो वैल्यू है अगर वो हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ द इलास्टिक लिमिट तक पहुंच जाती है तो उस कंडीशन में मेटल हमारा क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा, और उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, इसी के साथ बात करेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस थ्योरी की हम बात कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फेलियर फेलियर ड्यू टू अकल मैटीरियल वेन द प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस वैल्यू इज द रीच एट द रीच एट द मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस एट द इलास्टिक लिमिट देन द मैटीरियल विल बी फेल। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, जब हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी मतलब जब हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेन की वैल्यू हमारी मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट तक पहुंच जाती है तो तब हमारा मेटल क्या कर सकता है, फेल कर सकता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेन इज एनर्जी थ्योरी की बात कर सकते हैं कि जब हमारी शियर स्ट्रेन एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी के इलास्टिक लिमिट तक पहुंच जाती है तब हमारा मैटर फेल हो जाता है। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी कि जब हमारी स्ट्रेन एनर्जी जो होती है वो एक तरीके से हम बात कर सकते हैं स्ट्रेन एनर्जी के बारे में, तो स्ट्रेन एनर्जी के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फेलियर ऑफ ए मटेरियल अकर व्हेन द टोटल स्ट्रेन एनर्जी इन द मटेरियल रीच द टोटल स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द मटेरियल एट इलास्टिक लिमिट इन सिंपल टेंशन, दैट वी कैन से दैट इट विल बी कॉल्ड ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ठीक है, तो मैंने आपको स्टूडेंट बताया था डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारी स्टोरीज हमारी थ्योरीज होती हैं जिसको मैं आपको एक तरीके से पढ़ के आपको बता देता हूं। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या हम डिफाइन कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फेलियर विल अकर व्हेन द मैक्सिमम प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस इन द सिस्टम रीच द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेसेस एट इलास्टिक लिमिट इन सिंपल टेंशन या सिंपल कंप्रेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस थ्योरी ये क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फेलियर विल अकर व्हेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द सिस्टम रीच एज द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन सिंपल टेंशन दैट विल वी कैन से दैट इज द थ्योरीज ऑफ द फेलियर। तो बस आपको यहाँ पे ध्यान आपको क्या देना है, देखो ध्यान ये देना है कि जब प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू हमारी पहुंच जाती है फिर इक्वल हो जाती है फिर एट द रीच ऑफ द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एट द इलास्टिक लिमिट दैट मटेरियल विल बी फेल। मतलब यहाँ पे बात कर सकते हैं भाई, आपने मैंने आपको बताया था कि जब हमारा कोई बॉडी होती है उस बॉडी का अगर मान सकते हैं उसका जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो 200 मेगा पास्कल है, अगर उसके ऊपर अगर आपको अपना कोई लोड लगा रहे हो लोड के अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है तो आपके द्वारा जो लगाया गया लोड है या फिर कह सकते हैं उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस की वैल्यू आपकी पहुंच जाएगी कहां तक,
मैक्सिमम स्ट्रेस तक एट द इलास्टिक लिमिट देन मेटल विल बी फेल। और इसी तरीके से सारे ही आपको ये इस तरीके से आपको डिफाइन करने हैं, ठीक है। इसी के साथ बात करेंगे नेक्स्ट हमारा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी, कि हमारी कोई एक बॉडी है उस बॉडी के अकॉर्डिंग हमारा कितना वो स्ट्रेन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर कोई लोड को अप्लाई करते हैं तो लोड अप्लाई करने से बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन देखने को मिल पाता है। तो उस डिफॉर्मेशन के कारण क्या होता है, वहां पे स्ट्रेन एक तरीके से स्ट्रेन हमको देखने को मिल पाता है। तो वो स्ट्रेन कितना एब्जॉर्ब करता है बॉडी, उसके अंदर कितना डिफॉर्मेशन देखने को मिल पाता है, कितनी एनर्जी को विस्टोर करता है, वो यहाँ पे स्ट्रेन उसकी फॉर्मुला हमको ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो ये भी डेरिवेशन मैंने आपको कराया था अपने क्लासेस में, ठीक है। किस तरीके से इस डेरिवेशन को यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया था। जैसे हम बात कर सकते हैं कि हम जैसे कि बात करेंगे कि जब हम इसके ऊपर कोई लोड को लगा रहे हैं तो लोड लगने से यहाँ पे एक्सटेंशन देखने को मिल पा रहा है, मतलब इसके अंदर डिफॉर्मेशन देखने को मिल पा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे स्ट्रेंथ की वर्क डन बाय द लोड। तो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पे वर्क डन बाय द लोड, तो यहाँ पे वर्क डन निकालते हैं बाय द लोड के अकॉर्डिंग। तो हमारा कितना हो जाएगा, डेट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ एन एम। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ ओ एन एम, ओ एन एम, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द ओ एन एम। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एम एन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ इंटू, ठीक है, दैट इज द हमारा एक्स इंटू पी। इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पे मान लेंगे फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे यहाँ पे फर्स्ट मान लेंगे। नाउ आप सब लोग जानते हैं डेट इज द हमारा जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस हमारा स्ट्रेन, तो स्ट्रेस डेट विल बी लोड अपॉन एरिया होता है, लोड अपॉन एरिया। तो लोड हमारे की जो वैल्यू होगी डेट इज द पी, पी बराबर कितना हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू के एरिया, स्ट्रेस इंटू के एरिया हमारा हो जाएगा। साथ ही साथ बात कर सकते हैं हमारा जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे स्ट्रेन, स्ट्रेन के बारे में That is the strain. Strain क्या होता है हमारा, deformation upon original line, that is the del L upon L हमारा होता है, ठीक है, del L upon L इसको यहाँ पर बात कर सकते हैं, ठीक है, del L extension upon length हमारा होता है, extension upon length, basically इसको बात, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं that is the E बराबर हम जानते हैं क्या होता है, stress upon strain, stress upon strain, ठीक है, क्या होता है strain हमारा, stress upon strain हमको देखने को मिल पाता है। और यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, स्ट्रेन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, तो स्ट्रेन बराबर हो जाएगा हमारा स्ट्रेस अपॉन ई, स्ट्रेस अपॉन ई। और स्ट्रेन बराबर हमारा कितना होगा, मतलब एक्स डिफॉर्मेशन हो रहा है, एक्स अपॉन एल हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बस आपको क्या करना है, स्ट्रेन की जगह अपनी वैल्यू रखना है डेट इज द एक्स अपॉन एल, और स्ट्रेस हमारा कितना है डेट इज द पी, मतलब सिग्मा अपॉन ई, कितना होता है हमारा सिग्मा अपॉन ई हमारा होता है। तो डेट इज द एक्स अपॉन एल अपॉन सिग्मा अपॉन ई, हमको क्या करना है, हमको स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डेट इज द एक्स की वैल्यू। तो एक्स बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन ई इनटू के एल, सिग्मा अपॉन ई इनटू के एल। बस आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू और पी की वैल्यू कहां पे रखनी है इसको, तो एक्स की वैल्यू और पी की वैल्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट अप करनी है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x and p in equation first, यहाँ पे कितना हो जाएगा, that is the half into, ठीक है, हमको p की value कितनी दी है, that is the sigma into के a, और यहाँ पे हमको x की value दे रखी है, that is the sigma upon e into के l। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, sigma का square upon 2e into के a into के l, जिसको मैं लिख सकता हूँ sigma का square upon 2e, ओके, वी भी हम लिख सकते हैं डेट इज द वॉल्यूम। तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी डेट विल बी राइट डाउन इट। तो स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, या फिर कह सकते हैं स्ट्रेन, सॉरी एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी, सॉरी एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी, तो कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज द यू बराबर, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा का स्क्वायर अपॉन 2e इनटू के एरिया इनटू के एल। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसी के बाद हमारा आता है थर्मल स्ट्रेस, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट।
दैट इज द थर्मल स्ट्रेसेस क्या होता है। देखो थर्मल स्ट्रेसेस हमने यहाँ पर देखा कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर कोई भी लोड अप्लाई करते हैं, टेंसाइल लोड या कंप्रेसिव लोड है, तो हमको डिफॉर्मेशन देखने को मिल पाता है। लेकिन जब अपने किसी बॉडी को उसको टेम्परेचर देते हैं, उसको हीटअप करते हैं, तो हीटेड करने से हमारी बॉडी में डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है ड्यू टू द हीट रेंज। तो वहां पे अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस करते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, हीट हमारी फ्लो करेगी और हीट फ्लो होने से हमारी बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन देखने को मिल पाएगा। और वही डिफॉर्मेशन हमारा क्या कहलाता है, ड्यू टू द हीट कंडीशन, दैट इज द थर्मल हमारा स्ट्रेसिस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा उसको यहाँ पे स्टूडेंट लिख सकते हैं, दैट इज द डेल एल, मतलब कोई हमारी बॉडी है तो उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन होगा दैट इज द डेल एल, दैट इज द अल्फा इंटू टी इंटू केल। एक हमारा फॉर्मुला होता है ड्यू टू द थर्मल स्ट्रेसिस के रिगार्डिंग, तो थर्मल स्ट्रेसिस के रिगार्डिंग हमारा फॉर्मुला दैट इज द डेल एल बराबर के अल्फा इंटू टू टी इंटू के एल। ठीक है, जहां पे मैं बात करूंगा डेल एल हमारा क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ द रोड ड्यू टू द राइज ऑफ द टेम्परेचर, मतलब हमारा जो एक्सटेंशन ऑफ द रोड ड्यू टू द राइज ऑफ द टेम्परेचर, जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उसके अकॉर्डिंग कितना एक्सटेंड देखने को मिल पाएगा हमारे बॉडी में, दैट इज द डेल एल। अल्फा इज द कोफिशियंट ऑफ द थर्मल स्ट्रेसेस, जो हमारे थर्मल स्ट्रेसेस होता है थर्मल या लीनियर एक्सपेंशन का हमारा कोफिशियंट है, दैट इज द टी इज द टेम्परेचर एंड एल इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इस तरीके से थर्मल स्ट्रेसेस भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने देखा कि वन शॉट वीडियोस में अपने यूनिट नंबर सेकंड के जो भी हमारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे ड्यू टू द सिलेबस ऑफ द एकेटीयू, हमने सभी टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कवर किया है, मतलब एक तरीके से डिस्कस किया है, और हमने मोस्टली इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हमने देखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैंने साथ के साथ बता दिया कि न्यूमेरिकल के साथ यहाँ पे स्टूडेंट पूछे जाते हैं, एक न्यूमेरिकल आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पूछा जा सकता है, एक न्यूमेरिकल आपका सेंट्रोइड से पूछा जा सकता है, तो आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। साथ के साथ मैंने आपको स्ट्रेसेस के बारे में आपको बताया था, कंपाउंड स्ट्रेसेस जो भी थे, थ्योरीज ऑफ फेलियर, या फिर हम कह सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है, मोहर सर्कल्स, ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आप स्टूडेंट अपना डिस्कस कर लेना, इनके बारे में स्टडी कर लेना। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आप अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जे क्लासेस मेरठ पर जुड़ जाइए, वहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीटेक वाले जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सभी हमारे वन शॉट वीडियोस हमारे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वहाँ पे अपने वीडियोस को देखकर अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, यदि अभी किसी ने एग्जाम हमारे कोर्स को परचेस नहीं किया है और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहता है तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जाकर हमारे कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको अपने फोर्थ सेमेस्टर के जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वहाँ पे उनकी रिकॉर्डेड वीडियो साथ के साथ पीडीएफ नोट्स आपको पर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपकी क्लास को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।